आज 20 अप्रैल 2024 ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी क्या सदा ही पूछते जय। अभी याद कर रहे हैं इन्हों अपने रमेश भैन जी जेड़े के फिर थोड़े दिन बाद या एक दो दिन बाद जुड़नगे, तो उस तो पहले उन्होंने नौ राणी आप कविता गुजारिश करते हैं वो जयकारे लगा के ते आज दे सत्संग की शुरुआत करते हैं। कविता तुसी लगाओ जिवें रमेश भैन जी लगा दें जयकारे, शुरुआत भी उन्होंने तो करते हैं असी। महाराज सारे घर सुख वरतावे भाई, दुखा का नाश होवे ते सुखा का वास होवे। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा आई है। कविता कराओ ओम कराओ शुरू कविता। चौल वाले आपकी आपकी सदा सदा ही जय, बापू श्रद्धा राम जी महाराज महाराज आपकी आपकी सदा सदा बापू ही जय। मंदरा वाले बस आपकी आपकी सदा ही जय। ओम शहंशाह झंडे की। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल जिस तरह नाल तुसी सारे ने विदाई दी सुखचैन पाजी नू, कल उन्हां दा सारा जिहड़ा अंतम हुंदा है संस्कार वो हो गया। महाराज चरणां दे विच जा जुड़े पंज भूत जिहड़े पंज तत्व दे नाल वापस मिल गए। वाह ओम बापू शरदा राम महाराज सुख वरताना पिछे सारे परिवार नू शक्ति देना ते कृपा करनगे महाराज बाकी सब इस सुख वरतान। ठीक है जय जयकार तुसी करो जी शुरू करो आज हाँ दे जी सत्संग में। थैंक यू गुलाटी साहब, थैंक यू डॉक्टर सेठी तुसी आए उत्थे गुरुद्वारा मिट्टी अरदास हूँ अंतम अरदास 28 तारीख नगी 26 तारीख हाँ नू जी 26 तारीख नू आप रखना है उन्होंने। देखो 26 तारीख नू उन्होंने जन्मदिन ते उस दिन ही उन्होंने और रखा जाएगा अखंड पाठ ते फिर 28 नू भोग पड़ेगा ते 28 नू फिर अंतम अरदास है। ओके 13वें दिन ओके जी। वाहिगुरु का भैया खालसा वाहिगुरु जी फतेह। हाँ जी हाँ अमेरिका विच भैया फुल इत्तेदार देने उत्थे बनिया है कुछ हाँ 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 उत्थे इंडिया च आऊंगा उन्होंने फुलां लई फुलां। अच्छा इंडिया च उतार के जाएंगे। हाँ जय बापू जी भाई साहब जय जय बापू जी भाई बापू जी साहब। जय बापू जी हाँ जय बापू बड़े भाई साहब का तो सुनिया तो बहुत हाँ जी हाँ जी शोर की कर सकते हैं शराबा जो ठीक। महाराज हाँ नूं दूर है। चलो हाँ जी हाँ जी वो फोन राती फोन मिलाया से मिलिया नहीं ताडा मैं क्या अच्छा फोन धन्यवाद कर देना। हाँ जी चलो बापू जी उन्होंने तुहाडा अपने चरणा च सारिआं रख। दा धन्यवाद। हाँ हाँ जी बापू जी कोई नहीं अपने महाराज जी चरणा चरणा च। च गए हाँ बापू जी शरदा राम दे सेवक ने जी उन्हां तो हाँ नाम जी दान जो लिया है फिर बस नाले जेड़े सुहास विश्वास परमात्मा है वालों लिखे होन परमात्मा वालों बिल्कुल जेड़े सुहास। हाँ जी ना बिल्कुल जी बोलो ही लेगा स्वास्थ्य हाँ जी इंसान। हाँ हाँ जी चलो अच्छा ठीक बाप। हाँ जी जय बापू जी भाई जय बापू। हाँ जी जय बाबू। हाँ जी रेखा जी आप जयकारा लगाए। हाँ जी ओम बापू बापू नंदा नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। पहले नंदा चौर वाले बापू नू मनाइए जदों भी कोई कम करिए। पहले पहले नंदा चोर नंदा वाले वाले बापू नू मनाइए जदों भी कोई कम करिए। हाँ दिलों ध्यान ला के बापू नू ते आइए जदों भी कोई कम करिए। लो ध्यान ला के बापू नू मनाइए जदों भी कोई काम करिए। हाँ पहले नंदा चोर वाले बापू नू मनाइए जदों भी कोई कम करिए। पहले नंदा चोर वाले बापू नू मनाइए जदों भी कोई काम करिए। दिलों ध्यान
लाके बापू नू ते आइए, जदों भी कोई कम करिए। जदों ध्यान ला के बापू नू ते आइए, जदों भी कोई कम करिए। बापू कोलों परदाना रखो किसी गल दा, बापू कोलों परदाना रखो किसी गल दा। बापू कोलों परदाना रखो किसी गल दा। बापू कोलों परदाना रखो किसी गल दा। ओदी मौज बिना है जहान नहीं हो चलदा, उती मौजू बिना ये जान नहीं हो चलदा। ओदी मौज बिना है जहान नहीं हो चलदा। उदी मौज बिना ये जान नहीं हो चलदा। सोने हिरदे विच अपने वसाइए, जदों भी कोई कम करिए। सोने हिरदे च आपने वसाइए, जदों भी कोई कम करिए। पहले पहले नंदा चोर वाले बापू नू मनाइए, जदों भी कोई कम करिए। नंदा चोर वाले बापू नू मनाइए, जदों भी कोई कम करिए। दिलों दिलों ध्यान ला के बापू नू ते आइए, जदों भी कोई कम करिए। ओदी ध्यान ला के बापू नू ते आइए, जदों भी कोई कम करिए। देखने जे तुसी ओदे खेलने निराले जी, देखने जे तुसी ओ दे खेलने निराले जी। दिलों देखने जे तुसी ओदे खेलने निराले जी। देखने जे तुसी ओ दे खेलने निराले जी। कर देव डोर ओस बापू दे हवाले कर जी। देव डोर उस बापू दे हवाले जी। कर देव डोर ओस बापू दे हवाले जी। कर देव डोर उस बापू दे हवाले जी। ओदी तार नाल तार नू मिलाइए, जदों भी कोई कम करिए। ओदी तार नाल तार नू मिलाइए, जदों भी कोई कम करिए। पहले पहले नंदा चोर वाले बापू नू मनाइए, जदों भी कोई कम करिए। नंदा चोर वाले बापू नू मनाइए, जदों भी कोई कम करिए। दिलों दिलों ध्यान ला के बापू नू ते आइए, जदों भी कोई कम करिए। ओदी ध्यान ला के बापू नू ते आइए, जदों भी कोई कम करिए। हीरियां नू समझदा ते कच नू पछाणदा, हीरिया नू समझदा ते कच नू पहचानदा। हीरियां नू समझदा ते कच नू पछाणदा। हीरिया नू समझदा ते कच नू पहचानदा। झूठ दी पछाण ओनू सच नू भी जानदा। झूठ दी पहचान ओनू सच नू भी जानदा। झूठ दी पछाण ओनू सच नू भी जानदा। झूठ दी पहचान ओनू सच नू भी जानदा। ओदे सामने पखंड ना रचाइए, जदों भी कोई
कम करिए। दे सामने पखंड न रचाइए, जदों भी कोई कम करिए। पहले नंदा चोर वाले बापू नू मनाइए, जदों भी कोई कम करिए। पहले नंदा चोर वाले बापू नू मनाइए, जदों भी कोई कम करिए। दिलों ध्यान ला के बापू नू ते आइए, जदों भी कोई कम करिए। दिलों ध्यान ला के बापू नू ते आइए, जदों भी कोई कम करिए। उस नू जे भुलोगे ते वो भी भुल जाएगा। सुनो जे भुलोगे ते ओ भी भुल जाएगा। उस नू जे भुलोगे ते वो भी भुल जाएगा। उसनु जे भुलोगे ते ओ भी भुल जाएगा। पाप कीते कर्मां दी बारी खोल 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 जाएगा। भुलाइए उन्हों भूल के भी कदी ना भुलाइए, जदों भी कोई कम करिए। भूल भुल के भी कदे ना भुलाइए, जदों भी कोई कम करिए। पहले नंदा चोर वाले बापू नू मनाइए, जदों भी कोई कम करिए। पहले नंदा चोर वाले बापू नू मनाइए, जदों भी कोई कम करिए। दिलों दिलों ध्यान ला के बापू नू ते आइए, जदों भी कोई कम करिए। ध्यान ला के बापू नू ते आइए, जदों भी कोई कम करिए। दुखां सुखां विच भुलिए ना, ना दुखां विच डोलिए। विच भुलिए ना, दुखां विच डोलिए। सुखां विच भुलिए ना, ना दुखां विच डोलिए। सुखां विच भुलिए ना, दुखां विच डोलिए। राजी रहिए रजा विच, मंदा नहीं बोलिए। मंदा नहीं बोलिए। दुख राजी रहिए रजा विच, मंदा नहीं बोलिए। मंदा नहीं बोलिए। ओदा हर वेले शुक्र मनाइए, जदों भी कोई कम करिए। ओदा ओदा हर वेले शुक्र शुक्र मनाइए, जदों भी कोई कम करिए। पहले पहले नंदा नंदा चोर चोर वाले वाले बापू बापू नू नू मनाइए, मनाइए, जदों जदों भी भी कोई कोई कम कम करिए। करिए। दिलों ध्यान दिलों ला के लागे बापू बापू नू नू ते ते आइए, आइए, जदों जदों भी भी कोई कोई कम कम करिए। करिए। ओ ओम बापू बापू नंदा नंदा चोर चोर वाले वाले आपकी आपकी सदा सदा ही ही। जय जय। बिल्कुल जी, उन्होंने मनाई जदों भी कोई काम करिए। थैंक यू। हाँ जी, चांद बुलाते दीदी सब। भी, रेणु जी भी, सरोज हाँ बहुत जी है, भी, बहुत सारे है। जय। हाँ हाँ जी, हाँ जी, चांद दीदी। मैंने सुखचैन दी वीडियो तो भेज दे, मैं तेन वारी वारी फोन करनी है तो चुकता ही नहीं, तेन पता नहीं लगता चांदी जी है। वो जेहड़े जान दी वीडियो अगे माता जी ने बनाई सी, अज तक देखने की हिम्मत नहीं हुई सी, हुण इन्हां दी बनाई नहीं असी वीडियो। किस गल दी? इस गल नहीं तू दी कल जान दिखाए तेन फोटो, मैं पता लगे इतने जून ते। जूम दे उत्ते होर गल है, जूम वाली। हाँ,
जूम दी मैं ठीक है, वैसे नहीं कोई बढ़ाई, जूम दी ठीक है, जूम दी मैं भेज देंगा। जूम हाँ दा वो जेड़ा नहीं तुसी ओ कल दी दिन दे जेड़ी हैगी है 19 तारीख दी उदों पंचम देख ने ला। कहती भी से कोठो दी वीडियो बनी है वो कहती भेजांगे उन्हें नहीं भेजांगे। कोई वीडियो नहीं बनाई चांद दी, क्यों देखने दी हिम्मत नहीं होंदी इन इन चीजां दा। कोई हाँ किसी ने हाँ पर्सनल किसी ने फोटो को बनाया आवे नहीं मैं कह रही या मैं कैसे वीडियो उन बनाई होवे दर्शन तो तक कोई आवे नहीं होंगे, मैं कह उन दर्शन। दर्शन तक आवे हाँ होंगे, मैं तो चल देखी नहीं जूम हाँ से। जो लाइव तुसी जेड़ा जे कुछ वो जिवें हुंदा है ना वो कोई कहंदा तां आपां कर सकदे, कोई दिखा सकदा सी उदों जे आपणे हाँ नाल पिछे कुछ सुख। नहीं चंगा लगता फिर परसों दा, हाँ जी नहीं मैं कि कुछ नहीं चंगा लगता फिर तुसा कोल बैठे गए सारे कुछ वेख लिया तुसा ओ दूर कोई बैठे। कोई गल नहीं चांदी दी ओनू भी महाराज ने बड़ा बड़ा टाइम दिया, तैनू पता ही है भी किस तरह महाराज ने मैनू वसीला बनाया इत्थे उन्हां दा इलाज करन दा, उन्हां दा इत्थे सारी ट्रीटमेंट हो गई जेड़ा कि है बड़ा मुश्किल सी, किन्नी मेहनत करके उन्हां दा सारा इत्थे अमरीका च कराया, तो हुण महाराज ने 38-39 साल दे ते उस तो बाद भी 40 दे नेड़े ते फिक्र नहीं करना, जिवें महाराज नू मंजूर है जिन्नी देर देती उन्हां दा धन्नवाद करना है कि उन्हां नू प्रेम ना उन्हां दी बजाय इहदे करके ना चांदी सुखमणी साहिब दा पाठ ते श्रीमद भगवत गीता दा हुण मैं क्योंकि वो सारा हाँ जेड़ा गीता पाठ का है तो शुरू वो किया जेड़ा है सबसे पाठ उन्हां नू पहले फल वास्ते। देना है ठीक है ना, जिवें सत्संग दा फल हाँ इन्हें इन्हें देना देंदे रहे ने कविता ते सारे मिल के। कल नागपाल जी ने कहता भी नहीं सारे दा मैं तो कह नौवे महल्ले दे दे वो सारे दा फल दे, सो इस करके जो भी है ना ये आपां पाठ करिए उन्हां वास्ते ठीक है ना। हाँ हाँ वो महाराज दे महाराज आपदे उन महाराज दे बच्चे ने महाराज ने पहले भेजा ते फिर महाराज ने बुला लिया परमपिता आप ही परमात्मा। बतेरा पाठ पूजा करके गए, वो माड़ी जगह जा ही नहीं सकता। बस फिर की हाँ फिर आपां क्यों जदा आपदे नाले मेरे माता पिता उत्थे ने बापू शरदा राम उत्थे बी जी, मैं ही कहा उन्हों मैं उन्हों कहा भी जांदी वारी मैं ही कहा सी के मैं बई तू बी जी साडे माता पिता बापू शरदा राम नू बापू हरभगवान नू सारे संतां नू बापू गुरदास राम जी पानू जिन्ने सारे संतां विचों माता राम जी लांबड़े वाले जिन्ने भी गए ने उत्थे साडे जिन्हां असी जिन्हां दर्शन किते हुए ने बापू दया किशन जी ते उधर मेरे बी जी का भी नाम लिया मैं, बी जी नू प्रेम मासी नू जेड़े साडे बुजुर्ग गए नू चाची जी सारे नू प्रणाम करा तो उत्थे सारे वो इकट्ठे उत्थे ही होना सारे बापू दे जय जयकार उत्थे भी करांगे उत्थे भी भजन गावांगे फिक्र नहीं करना। इस करके उन्हां नू याद करन दा इक्को ही तरीका है भी जिन्ने भी पाठ हो सके उन्हां दे समर्पित कर दो। आ लो जी मैं अज गीता माता दा चौथे अध्याय दा कीता, अज 18वें अध्याय कीता, उन्हां नू फल गीता मिले का बस पाठ शुरू किया हुआ चैन दे सारे नू करो। लेती। हाँ मैं उन्हां नू सुनाता सी उत्थे विच फ्यूनरल होम दे बैठ के गीता माता दा पाठ भी सुनाता ते तू हुण जिन्ना हो सके बा पाठ करना है। ओके जय बापू दी आगे आपां सत्संग शुरू जय करदे आ, फिकर नहीं करना महाराज माता भली करेगा सारी संगत दा बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। उस मौके उत्ते आपदे परिवार चो कईयां नू देखना मुश्किल हो जांदा है ते वो इन्हां ने कहा भी नहीं फ्यूनरल होम सानू दिखाओ क्योंकि मैं जल्दी पहुंच गया सब तो पहले उत्थे मैं मैं कला उस ही तो सी ते बाद मैं उत्थे पहुंची है भजन ना तो मैंनू भी मैं ना दसिया राती ते मैं भी वो भजन सारे गा मैं रहा कह सीगा गाने। हाँ जी हाँ जी गाओ जी गाओ सुखचैन बारी जेडी गल पूरी कर लो सी मैं रिकॉर्डिंग चाहिए। बस हाँ मैं यही कह रहे भी सुखचैन पाजी दा इन्हां ने प्लीज भजन सदा भी बनाया जेड़ा आप सरोज जी ने सारे ने तुसी इन्हां जेड़ा ख्याल कीता उन्हां दे आखरी दर्शन जेड़े कीते सारे ने मैं तो बहुत इंप्रेस हूं मैनू बड़ा मन नू लग्या भी देखो भी है ना सुखचैन भाजी ज्यादा आ रहे नहीं सी सत्संग दे विच लेकिन तुहाडा क्योंकि संगत नाल प्रेम है मेरे नाल प्रेम है ते जो तुसी इस करके भी मेरे भरा ने ते तुहाडे भी भरा इस तरह दा तुसी सारा ने दिता बड़ी बड़ी मेहरबानी सारा नु है ना प्रेम कीता जेड़ा दर्शन जी कीते आखरी दर्शन करने बड़े मुश्किल होंदे ने मन क्योंकि मन थोड़ा जा खराब हुंदा ही है देख के ते लेकिन तुसी कहा नहीं दर्शन कराओ फिर उत्थे भजन गाए सारे ने असी जेड़े उन्हां दा फेवरेट भजन गाया है ना दर्शन दो अंजाम सो ए चलो थैंक यू सब दा एक बार फिर धन्नवाद सरोज जी उन्हां दे नाम लै के भजन गाया सुखचैन जी दा बहुत बहुत धन्नवाद सारे दा। हाँ जी गाओ जी नेक्स्ट कौन गा रहा है अज।
मेरी आके करना संभाल जी, मैनू रात नू नींद ना आवे, मैनू रात नू नींद ना आवे, तेरी याद तां बहुत सतावे, तेरी याद तां बहुत सतावे, मेरा जीना होया महाल जी, तुसी आके करना संभाल जी, मेरा जीना होया महाल जी, तुसी आके करना संभाल जी, एक आसन तेरा लगावा, उत्ते अरे फोटो तेरा चढ़ावा, एक आसन तेरा लगावा, उत्ते फोटो तेरा चढ़ावा, मेरे चित तेरे चरणा दे नाल जी, मेरी आके करना संभाल जी, मेरा चित तेरे चरणा दे नाल जी, मेरी आके करना संभाल जी, मेरी ओम जी एक वारी आवो, मेरी मेरी ओम ओम जी जी एक वारी आवो, आके अपनी अपनी चलक झलक दिखाओ, आके अपनी झलक दिखाओ, दिखाओ, मैं भी सुनवा तेरा कमाल जी, मेरी आके करना संभाल जी, मैं भी सुनवा तेरा कमाल जी, मेरी आके करना संभाल जी, मैं तां तेरे ही रंग विच रंग गई आ, तेरा प्यार तेरे कोलों मंगनी आ, मैं तां तेरे ही रंग विच रंग गई आ, तेरा प्यार ही तेरे कोलों मंगनी आ, तेरा पल पल कर दी ख्याल जी, मेरी आके करना संभाल, संभाल जी, तेरे तेरे जैसा ना जैसा कोई कोई संत, जैसा तेरे तेरे जैसा जैसा कोई कोई संत नहीं, तेरा मेरा तेरा तेरी मेरा दा अंत नहीं, नहीं, तेरी तेरिया मेरा मेरा दा दा ता कोई अंत अंत नहीं, नहीं, तेरी जग ते न जग कोई मसाल जी, मेरे मेरी जग आके करना संभाल जी, मेरे तू है दीन दयाल स्वामी, दिल दी जाने तू अंतर जामी, तू है दीन दयाल स्वामी, दिल दी जाने तू अंतर जामी, तेथों शुकदाना दिल दा हाल जी, मेरी आके करना संभाल जी, तेथों शुकदाना दिल दा हाल जी, मेरी आके करना संभाल जी, हाथ जोड़ के ओम मनावा, कि मैं दर्शा तेरा मैं पावा, हाथ जोड़ के ओम मनावा, कि मैं दर्शा तेरा पावा, एता औखा बड़ा ही सवाल जी, मेरी आके करना संभाल जी,
सरोज जी तुम बहुत सुंदर दे नाल भैन जी ने ने जेड़ा गाया आ के करना संभाल जी भी उही संभाल करने वाले है मेरे बापू शरदा राम साडे सतगुर देव भगवान ठीक है। थैंक यू थैंक यू। कल सरोज जी या परसों मधु जी इन्ना इमोशनल हो गए नाल सारे बई तुसी संगत इन्ना प्रेम किया थैंक यू। हाँ जी गाओ जी रेनू जी तो सुन लैने मेरे हथियार ने फिर चांदी दी तुसी भी सुनायो ते फिर बाकी कोमल जी शायद ओम जी दे ओम जी। हाँ जी लगनी हाँ जी हाँ लगाओ लगाओ जिन्होंने भी लगा सत नाम जी सत वाहे गुरु वाहे गुरु जी सत नाम जी श्री वाहे गुरु जी सत नाम जी श्री वाहे गुरु जी सत नाम जी श्री वाहे गुरु जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु जी सत नाम जी श्री वाहे गुरु जी वाहे गुरु बोलिए कदे भी ना डोलिए वाहे गुरु बोलिए कदे भी ना डोलिए वाहे गुरु कहना सदा सुखी रहना वाहे गुरु कहना सदा सुखी रहना सत नाम जी श्री वाहे गुरु जी सत नाम जी श्री वाहे गुरु जी सत नाम जी श्री वाहे गुरु जी तेरा सब सदका वाहे गुरु जी तेरी सब रचना वाहे गुरु जी सत नाम जी श्री वाहे गुरु जी मोहे ना विसारो मैं जन तेरा मोहे ना विसारो
मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना, ऐसी दया करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, 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 नाम ना विसरे। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। एक बंदा सी ते उन्हें बैठ के ना मूल मंत्र दा पाठ कीता, हजारा वारी करदा 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 पूरा बड़ी वारी उन्हें कीता मूल मंत्रा दा, उते कहने लखा वारी कीता। ते उन्हें दुनियावी कोई छोटी मोटी चीज मंगी सी, चांदा सी, ओ दी मिली नहीं। ओ बड़ी बहां ते बड़ा डिसअपॉइंटेड जिया हो के कोई संता दा नाम लैंदा उन्हां कोल चलिया गया। उन्हां कहंदा जी ओ देखो की मूल मंत्र दा की फायदा होया, मैं इन्नी वारी जाप कीता, इन्ना मंत्र पढ़े ने, मैं किन्ने किन्ने दिन सुत्ता, सवेरे 4 बजे उठ के हो जाना शाम तक। ओ बढ़िया इन्निया उलामे लांदा पिया करदा पिया। कहंदे जी फलाने संत कोल चला जा, ओदा जवाब वो देणगे। वो कहंदा तुसी भी ते दे सकदे? नहीं कहंदा, उन्हां कोल चले, उन्हां कोल गया। वो कहंदे जी एक काम कर, अज ते मैं थोड़ा बिजी हाँ, तू ऊपर कमरे च बह के ना ते मूल मंत्र दा पाठ फिर तो शुरू कर दे। ते वो कहंदा है अच्छा किन्ने दिन करना है? कहंदा तू 7 दिन कर। ते वो बैठा हुआ मूल मंत्र दा पाठ करी जा रहे, अजा तीसरा ही दिन सी ना, ते वो कहना पता नहीं वो दौड़िया दौड़ा आ गया कमरे च, कहना मेरे तो रेहा नहीं गया, मैं पता नहीं वो नींद विच देखा है सुफने देखा पर किंज देखा, कहना मैनू विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं देखा है। वो कहना है मेरे जन्म मैं 3 अगले जन्मां विच कोड़ी बनना सी, और कोड़ी जन्मां दा तुसी मतलब विख्यान भी करो ते तुहानू कल वो दिल नूं बुरा लगता है कि कोड़ी बनना सी उन्हें अगले 3 जन्मां विच। ते वो कहंदा है वो तेरे 3 जन्मां दे कोड़ कट्टे गए ने, वो तेरे जिहड़े तू मूल मंत्र करदा रहा उस करके तू दुनियावी छोटी मोटी चीज मंगदा सी, उन्हां ने तेरे ते इन्नी बख्शिश कीती, इन्नी बख्शिश कीती है, तेरे 3 जन्मां दे कोड़ कट्टे गए ने। ते अज जिहड़ा तू 3 दिनां दा लगा होया ना, और उहदे बाद तू जाके फिर बैठना है, उन्हां दे हिसाब किताब तू खुशियां ही खुशियां माणनियां ने, तू भुल ही जाना है कि दुनियावी छोटी जी चीज जिहड़ी मंगी सी नहीं मिली। ते ओ कदों किन्ना तुहाडे ते ओ रहम करके मेहरबान। तुहाडे ते किन्नियां बख्शिशां करदा है तुहानू पता ही नहीं हुंदा। तुसी उहनां नू झट उलामे देण ते असीं उतावले हो जाने हां, उलामे देण नू तैयार हो जाने हां कि मेरा ये काम नहीं होया। ओ ये अरे बाबा की पता वो काम होंदा ते तेरे उहदे नाल नुकसान जेड़े तैनू नजर नहीं आंदे उहदे पिछे छुपे नुकसान भी। कार वड्डी आ गई उहदे टक्कर नाल तू मरना सी, इस पिछे उहने तैनू कार नहीं दित्ती। सो ये छोटियां छोटियां कथा तुसी उस कहंदे दिलो मनो विश्वास रखो, वो तुहाड़ा तुसी उहदे बच्चे हो, उहदे अगे रिक्वेस्ट कीती है उहनू चंगी पाए ते पूरी कर देगा। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਖਡੌਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਫੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜੋ ਜੀ ਪੜੋ ਜੀ ਪੜੋ ਜੀ, ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਪ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਪੜਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਈਟ ਆਓ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਧਰੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜੋ 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 ਪੜੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
बल्कि तुसी देख लो चारों तरफ सैड़ी पढ़ाई का किन्ना बेनीफिट और किन्ना तरक्या और किनिया बख्शिशा है ने। सो बुरा मनन वाली ओ चीज नहीं होंगी, पर असि लोग थोड़े नदान ज्यादा ना नंदरानी ज्यादा स्ट्रच करते रहने और बख्शिशां दा ध्यान नहीं रह जांदा सानू। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। मैं ज्ञान गुरु नहीं दे रहा, मैं अपने आप जो फील करना मैं शेयर करना, तो जो भी हां जी माफी चाहना। थैंक यू जी, बहुत सुंदर सर ये जेड़ा सारी तुसी सुनांदे हो। थैंक यू करो जी, करो करो करो। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदाई जय। स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदाई जय। बापू रख चरना दी कोल, चरना दी मौज बड़ी। बापू रख चरना दी कोल, चरना दी मौज बड़ी। चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी। चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दी को, चरना दी मौज बड़ी। चरना दी मौज नो कोई कोई जानदा, चरना दी मौज नो कोई कोई जानदा। जेड़ा भी ये जानदा मौजा पे मानदा, जेड़ा भी ये जानदा मौजा पे मानदा, ओ मौजा पे मानदा, ओ मौजा पे मानदा। बापू पागां दा दवारा अज खोल, चरना दी मौज बड़ी। बापू पागां दा दवारा अज खोल, चरना दी मौज बड़ी। बापू रख चरना दी कोल, चरना दी मौज बड़ी। बापू रख चरना दी कोल, चरना दी मौज बड़ी। इच्छा नहीं स्वर्ग दीना, इच्छा राज पाठ दी। इच्छा नहीं स्वर्ग दी ना, इच्छा राज पाठ दी, ना इच्छा राज पाठ दी। प्रीति तेरे चरना दी मंदा मेरे ओम जी। प्रीति तेरे चरना दी मंगा मेरे ओम जी। मैं मंगा मेरे ओम जी, मंगा मेरे ओम जी। असी बाल बड़े अनभो, चरना दी मौज बड़ी। असी बाल बड़े अनभो, चरना दी मौज बड़ी। बापू रख चरना दी को, चरना दी मौज बड़ी। बापू रख चरना दी को, चरना दी मौज बड़ी। भावी में हाँ दा सारा ही भरिया, भावी में हाँ दा सारा ही भरिया। तेरी मेहर नाल दसो केड़ा नहीं उतरिया,
तेरी मेहर नाल दसो केड़ा नहीं तरिया, केड़ा नहीं तरिया जी, केड़ा नहीं तरिया। बापू माड़िया कमा तो सानू मोड़, चरना दी मौज बड़ी। बापू माड़िया कमा तो सानू मोड़, चरना दी मौज बड़ी। बापू रख चरना दी को, चरना दी मौज बड़ी। बापू रख चरना दी को, चरना दी मौज बड़ी। ओम बापू नंदा चोर वाले आया की सदा, स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा। बहुत ही सुंदर हाजरी संत। थैंक प्रिया आप नंद सुनाओ, प्रिया संतोष जी, मेरे ख्याल प्रिया तक आवाज नहीं जा रही, आप अपना अनम्यूट कर। जय बापू जी, सारी जय बापू जी, जय संगत जी, जय बापू जी, जय बापू। बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा सदा की बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी जय, सदा ही है। सदा हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसे आंगन में। हरी ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसे आंगन में। जय जैसे फूलों में खुशबू है रहती, ओ नजर किसी को नहीं आती। ऐसी खुशबू फैला दो मेरे मन में, कोई देखे ना तुझको हम में। ऐसी खुशबू फैला दो मेरे मन में, कोई देखे ना तुझको हम में। हरी ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसे आंगन में। जैसे मेहंदी में रंग है रहता, वो किसी को नजर नहीं आता। ऐसे रंग लगा दो मे मन में, कोई देखे ना तुझको हम में। हरी ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसे आंगन में। जैसे मिश्री में मीठा है रहता, वो नजर किसी को नहीं आता। ऐसा मीठा बना दो मेरे मन को, कोई देखे ना तुझको मुझ में। ऐसा मीठा बना दो मे मन को, कोई देखे ना तुझको हम में। जैसे सागर में पानी है गहरा, जैसे सागर में पानी है गहरा, वो किसी को नजर नहीं आता। ऐसा गहरा बना दो मे मन को, कोई देखे ना तुझको हम में। हरी ऐसे बसो मे मन में, जैसे तुलसी बसे आंगन में। हरी ऐसे बसो मेरे मन में,
जैसे तुलसी बसे आंगन में, बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर हाजरी। हाँ जी प्रिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक मिनट, मैं ना डबल आवाज आएगी वो मेरा उसमें, एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद करना। रिकॉर्डिंग हो क्या? जी बापू रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। बापू रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। चरना दी मौज नू कोई कोई जानदा, चरना दी मौज नू कोई कोई जानदा। कोई कोई इस दे रस नू पछाणदा, कोई कोई इस दे गुणा नू पछाणदा। बापू रख चरना दे कोल, चरना हो रही जेड़ा भी ये जानदा वो मौजा पे मान। हाँ वो मैनु याद नहीं, मैं इस चरना दी मौज नू कोई कोई जानदा, जेड़ा भी ये जानदा वो मौजा है मानदा। बापू रख जिमें भी है, बाकी सारा भजन है। ए वाली तर्ज बड़ा बड़ी सहज, बड़ी मिठास वाली, पर तुसी बड़ी बड़ी डिफरेंट तर्ज नाल गाया, बहुत सुंदर। थैंक यू। हाँ जी थैंक यू, थैंक यू। लगाओ मैनू ना थोड़ी देर, दूसरा मैं आईपैड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओ वॉइस नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। कविता कोई होर है कि मैं बोल लवा? गाओ। हाँ जी लो, तुसी लगा लो। हाँ जी लगाओ लगाओ तुसी। हाँ जी लगाओ। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा, स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा जय। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार तुम, दीन दुखियों के आधार तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार तुम, दीन दुखियों के आधार तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, मेरा जीवन मेरे मोहन, बिन तेरी कृपा किस काम का है। मेरा जीवन मेरे मोहन, बिन तेरी कृपा किस काम का है। जो तेरी कृपा से चलत रहा, ये असर तुम्हारे नाम का है, ये असर तुम्हारे नाम का है। जीवन भर साथ रहे अपना, इस जीवन की पतवार हो तुम, दीन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार हो तुम,
दीन दुखियों के आधार हो तुम, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु। कोई ऐसा सेठ नहीं जग में जो अपना माल लुटाता फिरे, कोई ऐसा सेठ नहीं जग में जो अपना माल लुटाता फिरे। तू ऐसा सेठ मिला हो जो झोली सबकी सदा ही भरे, जो झोली सबकी सदा ही भरे। मैं तेरा दिया ही खाता हूँ, इस जीवन के संचार हो तुम, दीन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालने हार हो तुम, दीन दुखियों के आधार तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, मेरे दिल के अरमानों को तुम पूरा करने वाले हो, तुम पर काना दुख दर्द मिटाने वाले हो, दुख दर्द मिटाने वाले हो। धीरज और धर्म तुम्हीं से है, अपने भक्तों की लाज हो तुम, दीन दुखियों के आधार तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार हो तुम, दीन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु। ओम बापू नंदा चोर वाले आए आपकी सदाई जय। वाह जी वाह, बड़ा ही सुंदर भजन। दीन दुखियों के आधार हो तुम, और कोई भी ऐसा सेठ नहीं देखा जो अपने नोट ऐसा लुटाते फिरता हो, हाँ, जगह जगह पे जाके कहे जी आजो जी मैं लुटा रहा हूँ। और ये संत लोग जो हैं, कितनी सुंदर बात कही है, कितनी सुंदर थॉट है कि ये जो संत लोग हैं ये वही करते हैं, अपने में जो प्रभु का नाम है, जो उनमें ऐसी जो अंदर जो उनके सुख बसता है, खुशी है, वो सारी बांट रहे हैं सभी संत, सभी अपने संगत को, सारे गुरुमुखों को ये बांट रहे हैं, ले लो मेरे पास है प्रभु का नाम है, ले लो, है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये बात बड़ी सुंदर इसमें थॉट मुझे लगा कि कोई भी ऐसा सेठ नहीं होता है जिसके पास जो चीज है, कोई भी किसी पास कोई भी चीज है तो ऐसे बांटता फिरे, लेकिन एक संत लोग हैं, संत ऐसे हैं धरती पे कि जो अपने आस उनके पास जो प्रभु के नाम का जो इतना बड़ा भंडार है, जो ऐसी पूंजी है, जो सरमाया है ना, वो सारा कुछ लुटा देते हैं, लो आप भी लो। और ये ऐसी पूंजी है लुटाने के बाद भी अपनी घटती नहीं है, कमाल है कि नहीं। देखो ये जो बांट रहे से, जो ऐसे जैसे हमें जो भी कुछ आता हो ये हम बांटते हैं, जब
और शायद बढ़ती है प्रभु की कृपा से। वो कहते हैं भी ये तो बंदा बड़ा अच्छा, भी ये तो देने वाला है, तो देने से, जैसे कहते हैं ना भी, दान दिए धन है घटे कह गए भक्त कबीर, ऐसा भी कहते हैं, जड़ी चौंच भर ले गई नदी ना घटे और नीर, अपा पढ़ते थे बचपन में। तो दान दिए से ये जो, ये भी दान है जो नाम दान है, ये ऐसे सबको बांटने में, भगवान की स्तुति करने में, जो जो आपको पहले आनंद भी मिलेगा, ये भी नई बात है। देने में आनंद है, देने में है ही, वैसे असली आनंद है ही देने में, ये लेने में या छीनने में आनंद नहीं है, जीवन में देने में ही आनंद है। जितना देंगे किसी भी चीज को, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो आप शिक्षा का दान देते हो, आप भक्ति का दान देते हो, किसी को ऐसे इस तरफ जोड़ते हो प्रभु की तरफ, तो आपको अच्छा लगेगा और साथ में इसमें बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा सुंदर है। अभी कोई सेठ ऐसा नहीं है जो पैसे बांटता फिरे, नोट बांटते, भाई एक संत ही है जिनकी, जिसके पास जो कुछ भी है सारा कुछ अपना लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। अभी चलो दुनिया का भला हो जाए, सभी संतों को प्रणाम। थैंक यू रेनू, इतने प्रेम से इतनी सहायता से आप जो गाते हो पूरा मन पे असर होता है। तो प्रिया भी है जुड़ी हुई, धन्यवाद प्रिया, आपके पास आवाज आ रही है बेटा, तो आप गाओ। जय गुरु सारे, ओम बापू नंदा चोर वाले आए आपकी सदा, मेरे गुरुदेव बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय, बापू नरेंद्र जी महाराज आपकी सदा ही जय, स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जी करदा है बापू एक गल कहन नू, जी करदा है बापू एक गल कहन नू, अड़िए में झोली खैर पवान नू, जी करदा है बापू एक गल कहन नू, अड़िए में झोली खेत पवान नो, अड़िए में झोली खेत पवान नो, सतगुरु मेरा पीरा दा पीरे, देखो इन्हें बदल देनी मेरे तकदीरे, सतगुरु मेरा पीरा दा पीरे, बदल देने ने मेरे तकदीरे, तेरा मुल्के लगदा सुख चैन देन नो, तेरा मुल्के लगदा सुख चैन देन नो, अड़िए में झोली खेर पवान नो, जी करदा है बापू एक गल कहन नो, अड़िए में झोली खेर पवान नो, सतगुरु मेरा शाहदा शाए, देखो इंद दारे उती की परवाए, चरण कमल विच दे दो मेनू था बैन दी, चरण कमल विच दे दो मेनू था बैन दी, अड़िए में झोली खेर पवान नो, जी करदा है बापू एक गल कहन नो, अड़िए में झोली खेर पवान नो, तेरे बिना जग विच मेरा कोई होर ना, तेरे बिना बापू मेनू दिसदा कोई होर ना, तेरा भाणा मना हर गल सैन नो, तेरा भाणा मना
ਅੱਡੀਏ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪਵਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਡੀਏ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡੀਏ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਿਆ। ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੈ ਬਾਪੂ ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਓਮ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਝੰਡੇ ਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਆਏਗਾ ਬੁਲਾਵਾ ਤੋ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਆਏਗਾ ਬੁਲਾਵਾ ਤੋ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਸਰ ਤੁਝਕੋ ਆਖਿਰ ਝੁਕਾਨਾ ਪੜੇਗਾ ਵਹਾਂ ਨਾ ਚਲੇਗਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੁਹਾਰੀ ਢਲ ਜਾਏਗੀ ਗੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੁਹਾਰੀ ਢਲ ਜਾਏਗੀ ਗੇ ਦੌਲਤ ਯਹੀਂ ਪਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਗੇ ਦੌਲਤ ਯਹੀਂ ਪਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਜਾਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸੰਭਾਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸੰਭਾਲੋ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਮਕੋ ਬੁਰਾਈ ਔਰੋਂ ਮੇ ਨਿਕਾਲੋ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਮਕੋ ਬੁਰਾਈ ਔਰੋਂ ਮੇ ਨਿਕਾਲੋ ਬੁਰਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਜਗ ਮੇ ਬਤਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਜਗ ਮੇ ਬਤਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਯੇ ਤੋ ਜਹਾਨ ਮੇ ਲਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਆਇਆ ਕਿਸੀ ਕਾ ਆਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਜਗ ਮੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਯੇ ਤੋ ਜਹਾਨ ਮੇ ਲਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਆਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਜਗ ਮੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ
सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय। बिल्कुल जी, दिल नहीं दुखाना किसी का। बहुत सुंदर। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, आप लगाओगे? अच्छा ठीक है, जैसा आपको वैसा लगा लेते हैं। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। इसी धारा से शरीर पाया, इसी धारा से शरीर पाए, इसी धारा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, इक आ रहे हैं इक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। म्यूट हो गया आपका भैया? नहीं भैया, बात कर रहे हैं। यही है जीवन, के कोई आ रहा है उसी के जो भेजे हुए यहाँ पे आते हैं, उसी के बुलाए हुए फिर वापस चले जाते हैं। ये प्रभु ने अपनी लीला रच रखी है। हाँ, ये उन्होंने तो बिल्कुल एकदम कर दिया। जो उपजो, चाहे वो कोई चीज है, चाहे वो प्राणी है, चाहे जीव है, कोई भी है, चाहे वो संत है, मैं मतलब उन्होंने कितना, मतलब ऐसा नहीं है भी कोई संत है तो फिजिकली, वैसे तो संतों का कृपा तो हमेशा है, जो कबीर साहब, नानक जी हैं, बापू शारदा राम जी, बापू हर भगवान, सारे संत लोग जितने भी आए हैं, मीरा जी, जो भी, सभी का प्रभाव अभी तक भी है। इतना प्रभाव अभी तक भी है सब में कि हम देखो जय जयकार कर रहे हैं उनकी, ये तो मतलब कमाल की बात है। लेकिन फिजिकली प्रभु ने उनका भी यही हिसाब रख दिया, भी सबके लिए एक हिसाब, जो उपजो सो बिनस है, परो आज कह काल, नानक हर गुण गायल है, छाड़ सगल जंजाल, सबके लिए ही बना दी। और तो छोड़ो, अवतार जो आते हैं, जो अवतारी पुरुष आते हैं, अवतार जो खुद आते हैं, खुद जो विष्णु जी महाराज आए हैं राम जी के रूप में, कृष्ण महाराज के रूप में, वो भी वापस चले जाते हैं समय,
राधा जी आई हैं धरती पे, धरती पे आई तो उनका भी ऐसा है, उनको भी ताकि सबको ये पता रहे भी ये भाई ये जो स्थान है ना हमारा, ये है एक पड़ाव, एक स्टॉपेज है जीवन का, ये जो हमारी आत्मा का एक स्टॉप है ना, कि परमानेंट यहाँ पे कौन रहा है, कोई नहीं रहा। चाहे वो जितना मर्जी धनवान हो, चाहे वो जितना मर्जी पहलवान हो, चाहे वो जितना मर्जी संत हो, किसी भी तरह का उसमें गुण हो, कोई भी गुण हो, लेकिन वो उसको उसको जाना पड़ेगा। प्रभु ने ऐसा असूल बना दिया, जिन्होंने भेजा है इस धरती पे आना, फिर तय कर दिया फिर से वापस जाना है, है? जो भेज रहे हैं, कोई आ रहा कोई जा रहा है, हर क्षण कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ऐसे हमारे भाई साहब चले गए, तो ये जिसने आना है देखो, लेकिन अच्छा ये भी नहीं उन्होंने सेट किया है कि हाँ जी 65 साल की उम्र तक। मैंने एक बार कहा था बापू दया कृष्ण जी महाराज दरबार सहारनपुर के शहनशाह, जो बापू ज्वाला सिंह जी दरबार के शहनशाह, मैंने कहा महाराज जी के हमारे ऐसा हमारा ये जो यंग डेथ है ना, ये बर्दाश्त नहीं होती किसी से। हमारी भाभी चलेंगी थी, जो बड़े भाई साहब अभी गए ना उनकी, जो जो पहले हुई थी शादी, ये अमन राज का जो आपको मिलाए थे, वो दो दो चार चार साल के थे, तो माता जी ने बड़ा प्यार किया। मैं भी इनको, ये मुझे भी भाजी बोलते हैं, मैंने भी इनको अपने भाई बहन की तरह, तो ये इन्होंने बड़ा वो सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल था, यंग जो डेथ है ना परिवार में। तो मैंने कहा महाराज जी को, बापू दया कृष्ण जी को, महाराज जी ये कुछ ऐसा हिसाब बना देना चाहिए प्रभु को, उन्होंने तो नियम ही बनाना ना, एक मिनट में वो चेंज कर सकते हैं। 65 साल से कम कोई नहीं जाएगा, 65 साल तक सभी जिएंगे, या 55 या जो भी, इतना एटलीस्ट रख देना चाहिए ताकि बच्चों को बड़ा कर सके इंसान जो है अपने, तो अगर गृहस्थी में है तो इस तरह का कुछ हो भी है, क्योंकि बड़ा भारी सदमा होता है जो यंग डेथ है। बड़ों के भी बुजुर्ग चले जाते हैं, हमारे माता जी ये पिताजी ये तो बर्दाश्त के बाहर हो गया था, इतना ज्यादा हिल गए। तो ये अभी भाई साहब गए तो सारा परिवार हिला, तो ये जो ना बड़ा मुश्किल है इस उम्र में भी जब चले जाते हैं, कोई 70s में भी जाए तो परेशानी है, लेकिन अगर यंग रहता है तो बड़ा मुश्किल। महाराज ऐसा असूल बना दे प्रभु, लेकिन बापू दया कृष्ण जी महाराज ने ये बात कही कि मुझे इतना अच्छा लगा, कहते ना ना बेटा, ये जो जो परमात्मा ने असूल बना दिया ना, उसको पता है सारा। अब ये देखो कि दुनिया में कितने क्राइम हो रहे हैं कि नहीं, कितना भारी जुल्म हो रहा, छोटे छोटे बच्चों बच्चियों के साथ इतने कुकर्म हो रहे हैं। तो ये देखो भी अब पता है इंसान को, ये पता है कि ये ऐसे ये पानी का गुदगुदा है, पानी का बुलबुला है, या ना ये रेत की जो दीवार है, इसको पता है भी किसी भी वक्त ढह सकती है दीवार, ये बुलबुला किसी भी तरह फट सकता, किसी भी तरह ये क्षण का ये माटी का पुतला कैसे नचत है ना। तो ये जो है ना, ये पता होने के बावजूद भी इतने क्राइम हो रहे हैं, भी किसी भी क्षण मौत आ सकती है, जो पापी को पता है। जो मौत का ये नहीं होता है कि हाँ अभी तो 50-60 साल का तो हो गया, उसके बाद ही मरना है ना, अभी तो कर लें जो भी कर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। बचपन में भी जा सकते हो, जवानी में भी जा सकते हो, हैं किसे नु बख्शे ऐसे सा, हाँ तू जाने करतार तेरिया, तू जाने किसे नु बख्शे 100 साल तू, कदे सद लवे जम दे बाल तू, जम दे जन्म लेते ही
और एक बात और बताऊं, उससे भी पहले संसार में आंखें खोलने से पहले, जन्म लेने से पहले ही मां के गर्भ में भी ऐसी भी हुई। सो माता के गर्भ में भी वो वापस बुला रहे, किसे नु बख्शे 100 साल तू, किसे नु कदे सद लवे जम दे बाल तू, कदे परी जवानी बुलावे तेरिया, तू जाने करतार तेरिया, तू जाने करतार तेरिया, तू जाने। सो बापू जी ने कहा कि अगर वो प्रभु ये असूल बना देगा ना तो जुर्म और बढ़ जाएगा, क्राइम और बढ़ जाएगा। वो कहेंगे कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेना है तो आखिरी 5 साल ले लेंगे, 65 साल तक तो है ही ना, आखिरी 1-2 साल ले लेंगे, पहले जैसे मौज मस्ती कर लेंगे। अभी पता होने के बावजूद कई दुनिया कितने ही लोग ऐसी सोच के मालिक हैं कि कहते हैं कोई खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है, क्या देखा है, क्या है ना। अभी तो बहुत उम्र पड़ी है किसी को, यंग जो बच्चों को अभी बोलते हैं कि पाठ पूजा ज्यादा करो ये, तो वो यही कहते हैं ना, अभी बहुत उम्र पड़ी है जो ये बाद में करना है। तो ये भाई वो इसीलिए प्रभु ने जो भी असूल अपने हाथ में रखा है, ये जन्म और मृत्यु जो है ना अपने हाथ में रखी है उन्होंने, कब जन्म देना है किसी शरीर को, है ना, किसी आत्मा को कब आपने ले जाना है, प्रभु ने अपने हाथ में रखा है उन्होंने। तो इसलिए ये होते नहीं है जंजाल शरीर के, कहते हैं ना भी नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल, लेकिन ये दुनिया के जंजालों में फिर भी फंसे। कल वो बता रहे थे महाराज जी, अपने कुटिया से आए थे आनंदपुर वाले महाराज जी, महात्मा जी, तो उन्होंने पंडित जी भी थे, उन्होंने भी प्रवचन बड़ा सुंदर किया कल। वो महात्मा जी ने एक बात की बड़ी सुंदर है कि नाव जो है ना, नाव खुद भी पार हो जाती है नदी के और हमको भी पार लंघाती है जो भी बीच में बैठ। अगर नाव पानी में चलती है वो बात सारा ठीक है, लेकिन पानी को अंदर नहीं आने देती, पानी को अपने अंदर जो नहीं आने देती, अगर पानी उसके अंदर आ जाए तो वो खुद भी डूबेगी, सबको भी डुबो देगी। तो दुनिया के जो ये तालाब में रहना है, लेकिन अपने आप को नाव की तरह ना उसमें अंदर अपने अंदर नहीं आना। तुलसी ममता राम स्यों समता सब संसार, तो उसके साथ सभी के साथ व्यवहार करो, जो भी जो सुंदर व्यवहार सबके साथ करो, लेकिन जो आत्मा का जो रियल जो मोहब्बत है, प्रीत है ना वो है, मना प्रीत चकोरा वाली कर के बापू मेरा चन वरगा। बापू तो चन है, परमात्मा तो चन है, लेकिन हमारी प्रीत चकोर वाली नहीं। हमारी प्रीत ऐसे जुबान से भजन गा लिए, थोड़ा पाठ कर लिया, आरती कर ली, पूजा कर ली थोड़ा बहुत, ये वो प्रीत जो है ना, प्रीत ऐसी होनी चाहिए भी उनके बिना, जैसे ना भी हमारी जैसे उनके मुलाकात के बिना, या उनको हर वक्त ना याद करें। वो तो ऐसा गुरबानी में तो ऐसा आ रहा है, तेरे को याद रखूं, वो है ना कि तेरे को याद रखूं तो मैं जिंदा हूं, नहीं तो मौत के समान है। अगर प्रभु को जिस वक्त जिस घड़ी भी याद नहीं रखा तो वो समझ लो कि एक तरह की मृत्यु के समान, इतना ज्यादा। और ये जो हमारी जो दी है, वो कहते हैं ना कि जो भाई परापत मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। भाई यही जन्म है, ये इसी ये जन्म जो मानुष देह का दिया है ना, इतना बड़ा आपको ये सम्मान दिया है,
आपकी आत्मा को ये बड़ा भारी सम्मान दिया है, हमारी आत्मा को प्रभु ने सम्मान दिया है। वो कहते हैं ना 84 लाख जून उपजाई, 84 लाख जून उपजाई, मानस को दीनी वड्याई। ये प्रभु ने ये मानुष जन्म जो दे के ना हमें वड्याई दी है, हमें मान दिया। अभी देखो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि प्रभु तूने हमें इंसान बनाया। लेकिन इंसान का तो मतलब ऐसे कौवे जो है ना, माफ करना, जो मोस्टली लोग हैं जो काया कौवा की तरह ना, पता नहीं गलत गलत जगह पे मुंह मारते फिरते हैं, हंस की तरह मोती जो चुगने हैं जो प्रभु के नाम के वो नहीं चुग। तो ये सतगुरु की कृपा से हम हंस बन सकते हैं, हमें जो पता लग सकता है अभी क्या सच है और क्या झूठ है, उसमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कब होगा? जब संतों का साधुओं का संग करेंगे, सत्संग में आएंगे, कीर्तन करेंगे। कीर्तन मीन्स कीर्ति करना, प्रभु की जब कीर्ति करेंगे, उसका यश गान करेंगे, तो तब ये हमें थोड़ी बुद्धि आएगी, समझ आएगी, सोची आएगी भी हाँ भाई भी जिस काम के लिए आए, किस काम के, कुछ भी नहीं है ना। कल एक और बात वो बता रहे थे महात्मा जी, तो कहते हैं भी ऐसे कोई संत थे तो वो रहते थे मेन रोड पे, कुटिया थी उनकी, तो उन्होंने ऐसे इशारा किया कोई कार वाले को, कोई बस वाले को, किसी भी रुक जा, कोई रुका नहीं। तो एक तो मोटरसाइकिल वाला रुका, तो कहाँ चले हो? कहते हैं जी मैं तो वहाँ काम पे चला हूँ। काम किस लिए कर रहे हो है? तो वो कहते हैं भी मैं अपने पालना है, शरीर को पालना है, तो शरीर को पालना है इसीलिए मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, या परिवार पालना है, शरीर को पालना है। तो कहते शरीर के किस लिए पालना है, शरीर के इसका क्या मतलब, क्या है शरीर का यहाँ? तो मतलब वो जवाब नहीं दे पाया, जो जिस काम के लिए आए वो उसको तो भूल ही गए। असल में जो प्रभु ने इसको आत्मा की लेवल को ऊंचा करने के लिए एक मौका दिया है ना, एक एक चांस दिया है, मौका दिया भी। अब तेरे को मानुष जन्म मिला है, तू भाई प्रभु के चरणों में प्रीत कर, मोहब्बत कर, साधु संतों की सेवा करो, उनसे प्रीत करो, और मेरे मेरे धाम में, परम धाम में आने का एक अवसर है हमें। लेकिन अवसर को भुला के, उस चीज को भुला के हम ऐसे अब पैसा किसी का चला जाए है ना, ये भी एक भजन में कल किसी ने गाया है ना, कल या परसों, कि आदमी से जब पैसा चला जाता है, धन चला जाता है, तो रोने लगता है। कोई चीज भी घर की, चाहे वो किसी का कोई मतलब बहुत कीमती जो वस्त्र है, इतना इतना अटैचमेंट है ना, इतनी ज्यादा मतलब अटैचमेंट हो गई है हम लोगों को, आसक्ति हो गई है दुनिया चीज में, कि कोई चीज है, मान लो कि कार का आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो कई दुनिया यहाँ पे इतना मैंने देखा है रोते हुए कि तो कार मेरी टूट गई, मेरा ये हो गया, दुनिया भर का परेशानी हो जाती है, चाहे वो पैसे का अभाव है। इसलिए कुछ भी, कुछ किसी भी कोई भी नुकसान हो जाए, वस्त्र का मान लो आपको बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया आपका कोई साड़ी सूट या कोई भी ड्रेस है, तो वो अगर फट जाए या जल जाए प्रेस से, जल कितना दुखी होते हैं हम लोग, कितना परेशान होते हैं, ओ मेरा सबसे अच्छा ये था, मेरा ये, मेरे जो मानुष शोला जो ऐसा एक एक मिनट जो कीमती, एक एक श्वास जो है ना, मतलब लाखों करोड़ों रुपए से नहीं मिलते हैं ये वापस, लेकिन वो उसके लिए कोई है कुछ मतलब कष्ट है ही नहीं, पैसा जाने से रो रहे हैं, जो प्रभु नहीं मिल रहे हैं, प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। आए थे नजदीक होने के लिए, मैं तो हैरान होता हूँ कई बार सोच के कि ये जन्म मिला है भी प्रभु को, प्रभु से मिलन का, उसके साथ जो एक संधि होना है, उसके साथ मेल होना है ना, उसके साथ योग होना है, लेकिन उससे और दूर दूर जा रहे हैं,
कोई जो जो भी कर्म ऐसा है, अपने मन को सब पता होता है। ये ना ये होशियारी है हम लोगों की, ना होशियारी होती है भी, ओ कर लो, कौन देख रहा है, कौन की है, कुछ नहीं। लेकिन पता सबको है भी, प्रभु भी देख रहे हैं, सब कुछ आपका रिकॉर्ड हो रहा है। फिर भी जो ऐसा दिमाग पे जो खास करके काम और क्रोध का ऐसा असर है कि वो सब भूल जाता है, अभी प्रभु देख रहा है या मेरी समाज में बेइज्जती होगी या कुछ भी, लेकिन फिर वो काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भूल के बैठे, प्रभु को ऐसा भूल के बैठे हैं कि बस प्रभु याद ही नहीं है, है ना, याद ही नहीं। भी प्रभु को जाके मिलना है तो किस कैसे उनसे आंखें मिलाएंगे, मिला सकते हैं नजरे प्रभु से? वो कितना सुंदर भजन किसी ने लिखा है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन घबराऊं, मन ही मन घबराऊं, मन ही मन शर्मो, कैसे है ये जो चादर मैली है उसको ओढ़ के कैसे आऊं? ये शरीर रूपी जो चादर मैंने मैली कर दी, आत्मा को मैंने मैला कर दिया है, तो ये मैं कैसे आपके द्वार आऊं? हैं, मैं आने के काबिल नहीं हूं, है ना, कितना कितना सुंदर है। मैं आ तो गया मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी रहमतों का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। तो परमात्मा हमें भाई बुद्धि बख्शे, ज्ञान बख्शे, ऐसा ऐसे ही ऐसा हमारे मन में प्रेम भरे कि हम इस चीज को समझ सकें भी, प्रभु हमसे अब आज के बाद हम ये गलती नहीं करें प्रभु, ऐसा नहीं। हमेशा चाहे वो हम खाना पका रहे हैं, चाहे वो हम काम पे हैं, जो भी हैं, जिस भी काम में हैं, लेकिन ख्याल आपकी तरफ हो, ख्याल प्रभु आपकी तरफ हो, ये हमें सोजी बख्शे महाराज। तो कृपा करें प्रभु, ओम बांके बिहारी लाल की जय, मेरे बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा जय। अपना जीवन ये भी खुशियों से भरा हुआ हो, ये जीवन एकदम सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो हमारा, इस तरह के प्रभु काम कराए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। हाँ जी हो गया, थैंक यू बेटा। हाँ जी, इतनी प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हाँ जी, अरुणा जी आप जयकारा लगा लें, हाँ थैंक यू। संतोषी आपके सामने आ हाँ जाए। जी, कोई इसके ऊपर और कुछ आपने, किसी ने कोई हाँ लीव कर, जो जो इसके ऊपर और कुछ इसने ऊपर आपने कुछ डिस्कस करना है, अपनी इनपुट देनी, कोई इनपुट आपने देनी है, कोई किसी तरह का आपने कुछ इसके ऊपर आपने चर्चा करनी है, या कुछ पूछना है, या कुछ बताना है, तो आप बताएं ये इस बात के ऊपर भी है, ये सच्ची बात है कि नहीं जो भी हमने कही है, इसमें आपको कुछ संदेह है किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हो। नहीं भैया, बहुत ही अच्छी है, आपने ये समझाते हो, और कोई ऐसी बात बीच में रहती नहीं, और इतना डीपली और इतना अच्छा समझाते हो कि ऐसा लगता है कि कुछ चीज नहीं समझ आई। बहुत अच्छे से आप समझाते हो, शुक्रिया अच्छा आपका, बहुत बहुत भैया। अच्छा
क्योंकि अच्छे अच्छे रास्ते पर ना लाने वाले बहुत कम होते हैं, उनमें से एक आप हो। बुरे रास्ते पे ले जाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन रास्ते में ले जाने वाले बहुत कम मिलते हैं लाइफ में। हाँ, तो ये जो जो बुरे बाबू उनके साथ तो हमारा कोई समझ लो माफ करना, चाहे वो रिश्तेदारी में लेकिन हो चाहे कोई भी हो, वैसी उसके साथ ताल्लुक ही नहीं रखना, उसके साथ ताल्लुक रखना, उसके साथ नजदीक भी नहीं जाना, उसको कोशिश करनी है। हाँ, अगर बिल्कुल ही परिवार के नजदीक का हो, छोड़ नहीं सकते आप, उसको समझाने की कोशिश कर, समझाने में बार बार समझाने में आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन उसमें बड़ी पेशेंस चाहिए। अगर नहीं बिल्कुल समझता है, ऐसी बुद्धि है उसकी जो, तो फिर थोड़ा सा दूर रहना है। यही मीरा जी को उन्होंने कहा था, अच्छाई कमाती उनके भैया, गुरुदेव बुराई ने, जल्दी आ जाती। हाँ उनके गुरुदेव को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। मीरा जी ने कहा भाई मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अब परिवार वाले बहुत तंग कर रहे हैं, पति देव भी चले गए, तो मैं क्या करूं। वो कहते भी बिल्कुल उस परिवार को, उस जितना मर्जी क्लोज रिश्तेदारी हो, मतलब जितनी मर्जी क्लोज रिश्तेदारी हो, उसको कहते आप त्याग के तुसे आ सकते हो, आप अपने अमराज्यों वृंदावन की जा कृपा सकते कर हो, सकते हो, तभी पूरी वो तरह छोड़ के चले गई थी। उन्होंने विश्वास चिट्ठी है। लिखी थी, उन्होंने कहते भी मैं मतलब परेशान हो गया, इतना ये कोई भी प्रभु के नाम का समझ नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो त्याग देने चाहिए, वो दोस्ती मित्रता रिश्तेदारी वो मन से त्याग, बिल्कुल उनके लिए दुआ मांगो, कुछ बुरा नहीं कहना उनको ये, लेकिन त्याग प्रभु की तरफ, जहां पे लगे कि प्रभु की भक्ति में कोई अड़चन आ रही है, वहां से किनारा कर दे भाई, क्योंकि हमारा जीवन ये जो दिया है ना कि हैं बिल्कुल भाई प्रापत मानुष दे हरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। रोज हम ये अगर सोच के उठते ही ना, भाई प्रापत मानुष दे हरिया, प्रभु एक और दिन दे दिया आपने, थैंक यू फॉर अनदर ब्यूटीफुल डे इन आवर लाइफ, थैंक यू प्रभु क्या आपने बोला ये भैया कृपा आपने, की। हाँ जी, क्या बोली आपने लाइन? ये भाई प्रापत मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, भाई यही बार है, यही आपका मौका है प्रभु से मिलने का, और ये बेचारे जीव जंतु ये थोड़ा मिल सकते हैं प्रभु को, ये थोड़ा नाम जप सकते हैं, ये थोड़ा साधना में बैठ सकते हैं, ये पूजा नहीं करते, सेवा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये हमें यही मौका दिया है, एक समय दे दिया अभी, हाँ ये तेरे भाई ये तेरा टाइम है अभी, तू अगर प्रभु को रूठे हुए प्रभु को मनाना है, जो तेरे कर्मों से रूठ गए हैं उसको मनाना है, तो आज के बाद प्रभु के चरणों में, प्रभु मैं जैसा जैसा, ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कहते अभी जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको क्षमा कर देता हूँ प्रभु, लेकिन मैं जैसा हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपकी बच्ची हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करें जो मुझसे गलतियां होगी, मैंने निंदा चुगली करी भी बहुत है और सुनी भी बहुत है प्रभु, मेरी सहेलियां आ जाती थी, मैं चली जाती थी, अच्छा ये बात और बताओ दोबारा बताओ, निंदा चुगली में बड़ा मैंने आनंद लूटा है करने में सुनने में, आप प्रभु मुझे क्षमा करें, अब मैंने क्षमा करे, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं पूरे मुझे मुझे बहुत गलत आदतें थी, मेरा ये आदत थी, मेरी वो आदत थी, जो जो आपको अच्छी नहीं लगती फिर भी मैं करती रही ये करता रहा, तो अब मुझे मैं आपकी शरण में हूं, जैसा भी हूँ प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं आज के बाद आपके साथ प्रेम करूंगा, मैं आपके साथ प्रीति करने की कोशिश करूंगा, आपके आपके आशीर्वाद से, है तो उन्हीं का आशीर्वाद, मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राखे त्यों रहिए, तुद भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लइए, वो खुद ही वो तरस कर लेगा आपके ऊपर, जब आप प्रार्थना करोगे ना, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, तो जब प्रार्थना करोगे तो प्रभु सुन लेंगे, कहते ठीक है, अब ये दिल से कह रहा है, जुबान से नहीं कह रहा है, सिर्फ ये मन से आत्मा से कह रहा है, मैं इसकी बात मानता हूँ, तो मैं अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में, तो ये हमने करना है, तो प्रणाम सबको, सरला मासी जी जुड़ गए, प्रणाम मासी जी से और सुनते हैं, मासी जी को आप हमें संदेश दें, कुछ शिक्षा प्रद आप हमें दिया करें, मेरा मन है आप रोज 5 मिनट 2-4 मिनट ना, हैं
मैं थोड़ी देर सरला मासी थोड़ा सा आप तो इतना ज्ञान का भंडार है, हम तोड़ना सोना कर देना है, बाकी कसर नहीं रही। सतना थैंक यू मासी, तुहाडे बच्चे हैं असी तां तुहाडे तो ही सखी हैं, सारे माता तो मासियां तो सारियां ये जेडे सुंदर संतां तो गल्लां सुन सुन के ओही ओ गल्लां करने हैं। ते ओ ए मासी तुसी तुहाडा जीवन दा जेड़ा तजुर्बा है ना ओदे तुसी सानू कुछ दो चार पांच मिनट थोड़ा जा दस्या करो, शिक्षा दया करो, मेरा मन है साडा तो भला हो जाएगा सारियां दा। मासी ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨੀ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨੀ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸੰਤ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਮਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ ਸਰਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਥੋੜਾ, ਕਥਾ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਏ ਬਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਾਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ भैया मैं एक बात बताऊं, मैं ना फेसबुक पे ना देख रही थी, जैसे लेडीज इकट्ठी हो जाती है ना शाम को पार्क में बैठ जाते हैं, तो ना सत्संग करती रहती थी डेली वाह पार्क में बैठ के, तो उनके पास ना एक डॉगी आता था डेली, वो ना जैसे ताड़ी मार के भजन गाते हैं ना भैया, वो देखो इतना मतलब किसी को सत्संग का हो जाता है ना, वो डेली उनके पास आ जाता है, जब वो ताड़ी शुरू करती ना वैसे खड़ा होके ना अपने दोनों हाथ से ताड़ी राधे राधे शुरू कर देता था साथ में जब तक बैठ। हाँ पूरी उन्होंने ना फिर वीडियो बना के बताया, कहते भी डेली इसको पता लग जाता है जैसे टाइमिंग का ना भी हम आ रहे हैं, ये पहले ही आके बैठ जाता है और ताड़ी साथ ही इसकी बजती रहती है बैठ के, देख लो मैं क्या अगर सत्संग में कितनी शक्ति है भी इसको पता है भी ये राधे राधे बोलिए या कोई भजन गा रही है, कहते डेली इसके रूटीन बन गई है हमारे साथ। हाँ ये बात आपने जो कही ना, मैं सरला मासी को गुजारिश करूंगा, ये आपको बताएंगे, ये आपको बता दूं, यो पिछले जन्म में वो भी हाँ, प्रभु का सेवक होगा, लेकिन कुछ कर्मों के कारण उसको ये जो स्वान की जो मिली है, ये हाँ, हमारे बापू ज्वाला सिंह जी या बापू हेमराज जी ने बताया है संगत को, भाई ये जो है ना, ये जो आती है, ये जो श्वान आती है ना सत्संग में, ये फलाने की मतलब के चलो हम नाम नहीं लेते मासी, नाम आपने लेना, लेकिन ये हुआ है, ये हुआ है, हमारे संतों ने बताया, फिर उन्होंने जल दे के उनकी मुक्ति कर दी थी प्रभु ने, किसी का नाम लेके बताया था भी इसकी ये रिश्तेदार है, मैं नाम नहीं लेता क्या रिश्ता था, तो उसको मतलब वो लेडी थी पहले अपने जन्म में, तो ये बाद में ये बन गई थी और रोज आके सत्संग में पीछे बैठती थी, वो अच्छी आत्मा होती है लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से वो उनको मानुष जन्म नहीं मिलता, ठीक है लेकिन नहीं मासी जी। अच्छा ਬਾਪੂ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈਏ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀਆ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਈ ਗਲੀ ਚ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਕੋਈ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹੇ ਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੀ,
महाराज जी ने हाथ पकड़ के मंदिर कहने आज तू का मां तेरा पुत्र राणा ने ओ ना ना ओ दा दी बकरी थी बकरी बकरे नहीं होते ना वो महाराज जी ने बना लिया तो मां तेरे उन्होंने रखा हर मंदिर से मां दी जिम्मे करते गुस्सा नहीं करते थे मां के उत्ते कहने मेरे को भावे झूठ मार लवे कोई गल नहीं औरतों की हालत होती कुछ कर लेंदी महाराज हाथ से टाल लेंगे एक दिन बापू जी रोटी खाना खाते पे फिर आ गई आके बह गई सामने देखती गई मां जी मां बत्री हैगी कहती जोर जोर साई मरनी ध्यान निकलते बाहर जोर जोर साई मरनी जिम्मे कुत्ते ने आप कह दें महाराज बाप मां बत्री तू इन क्यों दरकार दी पी है कहने महाराज जी आ जाती है रोज आ जाती है इतने कहने कोई नहीं पेट पूजा वास्ते जाने पा जानवर हो चाहे इंसान होने लोग कह देंगे संगत बैठे थे उस वे ये राजू मकड़ की मां है राजू मकड़ की मां है वो आ गया पर कहना महाराज जी कृपा करो ज्यादा तुसी कहिंदे ना संगत विच लेकिन सुधार करो ठीक है किथे जानो कहिंदे हां महाराज जी कहने महाराज जी ने आपदे रोटी खांदे खांदे उंदे टुकड़ा सटया उंदे के कुड़ी कुकर अगे ते ओ टुकड़ा मुंह पा ओथे लम्मी हो गई ओ सतनाम ए बापू ज्वाला सिंह जी दी गल है बापू हेमराज जी दी बापू ज्वाला सिंह जी ने मैनु ये ख्याल सी तो ये भाई ये याद रखिए अपा सारे कोई जरूरी नहीं इंसान का ही अपा मिलेगा चोला ये बस मैं भी नहीं लिखता कि शुक्र विधाता का मुझे इंसान बना दिया दिए माता पिता जग से निराले बापू श्रद्धा राम खुद आप जो भगवान जीवन में किए उजाले हो धरती माँ और चांद सूरज आसमां भी प्यारा है जलवायु का सहारा बापू श्रद्धा राम बापू श्रद्धा राम तू हमको जान से भी प्यारा है तू है तो हर सहारा है बापू श्रद्धा राम तो इसलिए भाई ये इंसान का जो जन्म मिला है इसको आप बहुत ज्यादा समझो बड़ी आपकी किस्मत है प्रभु ने तर्स करके प्रभु ने कृपा करके ये दिया है तो इसको बड़ा ध्यान से भी जितना आप खुद भी और बाकी दुनिया को भी बताना है जो आपके आसपास है सबको इस तरफ जोड़ने की कोशिश करनी है ये जो धर्म प्रचार है धर्म प्रसार है ये बहुत बड़ा सेवा है ये बाबू शरदा राम कहा करते सरला मासी कहते थे ना भी आप तो ये सत्संग जरा कर रहे हो धर्म प्रचार धर्म प्रसार एक चिट्ठी में लिखा था पिताजी ने बापू श्रद्धा राम जी ने माता जी को चिट्ठी में लिखा था ये बात तो यो जो पोस्ट कार्ड आते थे वो तो उसमें लिखा था प्रभु ने बापू जी ने ये धर्म प्रसार बहुत अच्छी बात है जो कीर्तन आप सत्संग करते हो तो हम ये सत्संग करते हैं तो प्रभु की कृपा बापू श्रद्धा राम ने हमारे तर्स कर लिया हाँ जी थोड़ी सेवा बाकी है भाई आपका तू इस पासे जोड़ दे आस पे आप ही इस पासे ला महाराज ने कृपा की आप शुरू तो असी व्हाट्सएप ते सरला मासी चांद दीदी मेरी एक सिस्टर इन लॉ आ तीन चार जने असि आंदे होंदे सी व्हाट्सएप से उदों दी शुरू हुई मासी जो तो अखां दा तुसीं कराया सी ना अखां दा 3 साल पहले तुहाडे चश्मा लग्या मैं पुराना देखदा हुंना उदों दा शुरू होया 2021 दे विच
2021 ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ, ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਲਿਆ ਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਤਾ ਸਾਡੇ। ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਧੋਤੀ ਜਿਹੀ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜੇ? ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਬਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਵੀ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਇੱਕੋ ਧੋਤੀ ਬਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੇ ਦੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੈ ਲੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਬਈ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ 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 ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਦੋਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਉਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੂ ਹਨੇਰੇ ਚ ਆਇਆ, ਦੋਤੀ ਉੜ ਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੀਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੋਤੀ ਉੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ? ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆਏ ਕੁੜਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚਲਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਚ ਰੱਖੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚ ਰੱਖੇ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਬਿਤਾਓ। ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, 2, 4, 5, 10 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਬੜਾ ਰਸ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਜਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ। ਭਜਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਭਜਨ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਭਜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਸਦਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਦੋ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਓ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਆਇਆ ਏ,
मैं दो दो चरणां नूं पीवां ते अज शुभ दिन आया है। मैं बापू जी दे दर ते आके शीस झुकाया है। मैं बापू जी दे दर ते आके शीस झुकाया है। मैं दो दो चरणां नूं पीवां ते अज शुभ दिन आया है। बापू ऐसी कृपा कर दियो मेरे जीवन पावन कर दियो। बापू ऐसी कृपा कर दियो मेरे जीवन पावन कर दियो। असी कुकर तेरे दर के चरनी शीस निवाया है। असी कुकर तेरे दर के चरनी शीस निवाया है। मैं दो दो चरणां नूं पीवां ते अज शुभ दिन आया है। जद सुंदर दर्शन पावा तन मन दी भेंट चढ़ावा। जद सुंदर दर्शन पावा तन मन दी भेंट चढ़ावा। मैं लख लख शुक्र मना ते चरणा वेच बुलाया है। मैं लख लख शुक्र मना ते चरणा वेच बुलाया है। मैं दो दो चरणां नूं पीवां ते अज शुभ दिन आया है। मैं बापू जी दे दर ते आके शीस झुकाया है। मेरा दागी चोला ला दे मैनू अपना रंग चढ़ा दे। मेरा दागी चोला ला दे मैनू अपना रंग चढ़ा दे। दुनिया वालों पेठ करा दे कि जीवन में बहुत सताया है। दुनिया वालों पेठ करा दे जीवन ने बहुत सताया है। मैं दो दो चरणां नूं पीवां ते अज शुभ दिन आया है। मेरे बापू जी दे दर ते आके शीस निवाया है। दस दासी अर्ज गुजारे तेरे चरणा तो बलियारे। दस दासी अर्ज गुजारे तेरे चरणा तो बलियारे। दर्शन दे दियो सतगुर प्यारे ते मुखड़ा क्यों छिपाया है। दर्शन दे दियो सतगुर प्यारे मुखड़ा क्यों छिपाया है। मैं दो दो चरणा नूं पीवां ते अज सब दिन आया है। मैं बापू जी दे दर ते अपना शीश झुकाया है। मैं सतगुरु जी दे दर ते आके शीश झुकाया। ओ बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदाई जय। वाह वाह बिल्कुल। मेरा दागी चोला ला दे मैनू अपना रंग चढ़ा दे। दुनिया वालों पिट करा दे के चोला बहुत रुला। आहा क्या लिखदे ने लिखन वाले। मेरा दागी चोला ला दे मैनू अपना रंग चढ़ा दे। दुनिया वालों पिट करा दे के चोला बहुत रुला आए। ये शरीर रूपी चोला है आत्मा में चोला है बड़ा रुलाता महाराज। हूं दुनिया लो पेट करा के आप दे ले मैं मुख करवा। मेरा मुख तो सारा दिन सारी उम्र दुनिया ले रह गया हूं तेरे लिए मुख में करा महाराज है। दुनिया वालो पेट करा दे चोला बहुत रुला है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ जी दे चरणों में अपने जगा दास को भी के दुनियावी धंधों से रिहा चाहता हूँ। मैं दुनियावी धंधों से रिहा चाहता हूँ। ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ। पिया चाहता मैं दीदार तेरा किया चाहता हूँ। ये अमृत प्याला पिया चाहता हूँ।
ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਟ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੋ ਸੇ ਰਿਹਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਾਗੀ ਚੋਲਾ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਚੋਲਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਹੈ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। और मैं जी आप पहले जिकारा लगा लो फिर बेबी जी जिकारा लगा लेंगे। अरुणा जी आप जयकारा। अच्छा बंद हो गया अरुणा जी का। बेबी जी आप लगाओ तब तक। अरे दो मिनट। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही है। कोई आ गया था। मैनू रख चरना दे पास हाथ जोड़ अर्ज करा तेरे चरना बिच अरदास हाथ जोड़ अर्ज करा। मैनू रख चरना दे पास हाथ जोड़ अर्ज करा तेरे चरना बिच अरदास प्रभु जी अर्ज करा। मैं बालक तू मालिक मेरा जिंदगी दा संचालक मेरा। मैं बालक तू मालिक मेरा जिंदगी दा संचालक मेरा चरना बिच होवे वास हाथ जोड़े अर्ज करा। मेरा चरना बिच होवे वास मैं हाथ जोड़े अर्ज करा। मैनू रख चरना दे कोले हाथ जोड़े अर्ज करा प्रभु जी। रखो चरना दे कोले हाथ जोड़े अर्ज करा तेरे चरना बिच अरदास प्रभु जी अर्ज करा। मैनू रखो चरना दे कोल प्रभु जी अर्ज करा। सुख तेरे चरना विच सारे ताहियो आया तेरे द्वारे। सुख तेरे चरना विच सारे ताहियो आया तेरे द्वारे। मिट जावे मेरी प्यास हाथ जोड़े अर्ज करा। मिट जावे मेरी प्यास हाथ जोड़े अर्ज करा। मैनू रखो चरना दे कोले हाथ जोड़े अर्ज करा। मैनू रखो चरना दे कोले हाथ जोड़े अर्ज करा तेरे चरना बिच अरदास प्रभु जी अर्ज करा। तेरे चरना बिच अरदास हरी जी अर्ज करा। मेरी आशा कर दे पूरी तायो आया विच हजूरी। मेरी आशा कर दो पूरी आया तेरे विच हजूरी। करीना मैनू निराश हाथ जोड़े अर्ज करा प्रभु जी। करो ना मैनू निराश हाथ जोड़े अर्ज करा। मैनू रखो चरना दे कोल प्रभु जी अर्ज करा। हाथ जोड़े अर्ज करा। मैनू रखो चरना दे कोल प्रभु जी अर्ज करा। तेरे चरना बिच होवे वास मेरी एही अर्ज करा। दिल किसे दा तोड़ा ना तू खाली दर तो मोड़िया ना तू। दिल किसे दा तोड़िया ना तू खाली दर तो मोड़िया ना तू। पूरी हो जाए आस हाथ जोड़े अर्ज करा। मेरी पूरी हो जाए आस हाथ जोड़े अर्ज करा। मैं रवा चरना दे कोल प्रभु जी अर्ज करा। मैनू रखो चरना दे कोल प्रभु जी अर्ज करा। तू मेरा मैं तेरा सतगुरु
इसलाया डेरा सतगुरु मैं तेरा तू मेरा सतगुरु ला बैठा मैं डेरा सतगुरु गुरु चरणा दादा से हाथ जोड़ी अर्ज करा मैं गुरु चरणा दादा से हाथ जोड़ी अर्ज करा मैनू रखो चरणा दे कोल प्रभु जी अर्ज करा मैनू रखो चरणा दे कोल प्रभु जी अर्ज करा तेरे चरणा विच होए वास एहो अर्ज करा तेरे चरणा विच होए वास प्रभु जी अर्ज करा ओम सतगुरु महाराज की जय ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय मैं रख करना पास प्रभु जी अर्ज करा थैंक यू थैंक बहुत सुंदर जय बापू दी अरुणा अरुणा हां जी अरुणा ए तुसी आप लिखे है ये वाला पुराना है पता नहीं हूं मैनू याद नहीं बहुत पुराना है वाह अच्छा हां जी नागपाल जी जय बापू दी थैंक यू धन्यवाद कल दा मैं ओ क्योंकि फिर ओ सारा पंडित जी का चल रहा है ना मैं फिर भी मैं ऑन रखा सी थोड़ा थोड़ा ते तुसी जेड़ा सारा पाठ किया नौवे महल का कल्याणे ते नाल फिर अरदास भी करती होनी है सुखचैन पाजी बारे मैं सुनी तो नहीं लेकिन मैं बड़ा धन्यवाद तुहाडा धन्यवाद ना क्या करो हां जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਉਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਮਧੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਚੈਨ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੇ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੋਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਚੈਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦੇ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੀ ਸੁਖਚੈਨ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ 3 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा सदा ही जय जी जय जी महाराज आपकी सदा बापू प्यारे सहारा तेरा ले लिया बापू प्यारे सहारा तेरा ले लिया मीर अपनी दे नाल मैनू तार दे मेरे अपनी दे नाल मैनू तार दे कृपा अपनी दे नाल मैनू तार दे हारा वालिया सहारा तेरा ले लिया हारा वालिया सहारा तेरा ले लिया मेरे अपनी दे नाल सानू तार दे मेरे अपनी दे नाल सानू तार दे सुख छड़ के मैं सारे संसार दे लैन आ गई नजारे तेरे प्यार दे सुख छड़ के मैं सारे संसार दे लैन आ गई नजारे तेरे प्यार दे तेरे चरना च डेरा मैं ता ला लिया तेरे चरना विच डेरा मैं ता ला लिया मेरे अपनी दे नाल मैनू तार दे मेरे अपनी दे नाल सानू तार दे बापू प्यारिया सहारा तेरा ले लिया बापू प्यारिया
सहारा तेरा ले लिया मेरे अपनी दे नाल सानू तार दे कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे मेरा तेरे तो बगैर कोई होर ना तेरी मेरी कदे टूटे भी डोर ना मेरा तेरे तो बगैर कोई होर ना तेरी मेरी कदे टूटे कदे भी डोर ना मैं ता मन विच मंदिर बना लिया मैं ता मन विच मंदिर बना लिया कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे मेरे अपनी दे नाल बापू प्यारिया सहारा तेरा ले लिया बापू प्यारिया सहारा तेरा ले लिया मेरे अपनी दे नाल सानू तार दे कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे मन पैड़िया कमां तो साडा मोड़ दे सुरती अपने चरणा दे नाल जोड़ दे मन पैड़िया कमां तो साडा मोड़ दे सुरती अपने चरणा दे नाल जोड़ दे तेरे चरणा विच डेरा मैं ता ला लिया मेरे अपनी दे नाल सानू तार दे कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे बापू प्यारिया सहारा तेरा ले लिया मेरे अपनी दे नाल सानू तार दे मेरी अरज करो मंजूर जी मेरे दिल विचों काढ़ देओ गरूर जी मेरी अरज करो मंजूर जी मेरे दिल विचों काढ़ देओ गरूर जी तेरे चरणा ते शीश मैं चुका लिया तेरे चरणा मैं चुका लिया कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे मेरे अपनी दे नाल सानू तार दे बापू प्यारिया सहारा तेरा ले लिया मेरे अपनी दे नाल सानू तार दे कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे ओम बापू शरदा राम जी महाराज की सदा सदा ही है मेरे अपनी दे नाल सानू तार दे बहुत सुंदर भजन बेबी जय बापू जय बापू सारी संगत जय बापू जय बापू जी आओ गाओ जी मामा जी सॉरी संतोष जी तुहाडी हाजरी लगी नहीं तुसी पहला लगा लो फिर मामा जी तैयार हैं तुहाडा म्यूट है संतोष जी मैं हाजरी लगा ली ये चे लगानी लगा लें भाई साहब लगा लें चलो फिर मामा जी तो बाद तुसी एक और लगा लें ठीक है मेरे दिमाग चो निकल हां जी मामा जी ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा सदा ही जय मानस जन्म मन मोल रे मिट्टी में मत रोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मानस जन मन मोल रे मिट्टी में मत रोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं हरि नाम तू बोल रे जीवन में रस घोल रे
अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर चल रे बंदे, संभल संभल कर चल रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी दा। संभल संभल कर चल रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी बोल रे, मिल मिल कर तू डोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतबार है। सोच समझ के चलना रे भैया, सोच समझ के चलना रे भैया, फूल नहीं अंगार है। अब पुतिया खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। आज सवेरे बैठ के बंदे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु नाम अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानस जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। बिल्कुल जी बिल्कुल, मानस जन्म हम अनमोल है और मिट्टी रोल रहे हैं। मैं होर सुना रहा हूँ, 2-3 मिनट का एक। हाँ जी हाँ जी, सुनाओ सुनाओ। सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते। जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। समझा ना तू इशारा, समझा ना खेल इसका। समझा ना तू इशारा, समझा ना खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बात बनते बनते। क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बात बनते बनते। सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सासों का तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई। तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई। गए जब से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते। गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते।
अब तक किया न सोनू अब तो हरी सिमर ले, अब तक किया न सोनू अब तो हरी सिमर ले, कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की, ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। कोई शक नहीं जी भी सांसों दे सारे बड़े बड़े बादशाह खाली आए चले गए जे, सांसां दी जिन्हां ने कदर नहीं कीती, पर जिन्ना मर्जी धनवान पहलवान जिन्ना मर्जी ज्ञानवान होए ओदा कोई गल बनेगी नहीं है, सांसां दा भरोसा नहीं भाई, ध्यान करना चाहिए बिलकुल। बहुत सुंदर, हां जी संदेश साडा जीवन दे उपर, हां जी ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। मेरे ओम जी मेरी यही प्रार्थना है कि चरणों में तेरे विश्राम मेरा, मेरे ओम जी मेरी यही प्रार्थना है कि चरणों में तेरे विश्राम मेरा, दिन रात तेरे गुण गाऊं हर पल ही सिमरूं मैं नाम तेरा, दिन रात तेरे गुण मैं गाऊं हर पल ही सिमरूं मैं नाम तेरा, हर श्वास में ही तेरा नाम होवे एक पल भी मेरा ना व्यर्थ होवे, हर श्वास में ही तेरा नाम होवे एक पल भी मेरा ना व्यर्थ होवे, तेरी याद में ही उम्र बीत जाए ना रैन गुजरे ना होवे सवेरा, मेरे ओम जी मेरी यही प्रार्थना है कि चरणों में तेरे विश्राम मेरा, तू ही जग कवाली तेरा रुत वाली तेरे द्वार से ना गया कोई खाली, पिला दे मुझे प्रेम अमृत प्याली तूने ही करना है कल्याण मेरा, मेरे ओम जी मेरी यही प्रार्थना है कि चरणों में तेरे विश्राम मेरा, करो मेल मुझ पर ए बापू प्यारे मेरी नैया को अब लगा दो किनारे, करो मेरे मुझ पर ए बापू प्यारे मेरी नैया को अब लगा दो किनारे, ये माना भरा हूँ अवगुणों से मैं अवगुण मिटाना है काम तेरा, मेरे ओम जी यही प्रार्थना है कि चरणों में तेरे विश्राम मेरा, न कोई तुझसे जर मांगता हूँ ना कोई तुझसे वर मांगता हूँ, ना कोई तुझसे जर मांगता हूँ ना कोई तुझसे वर मांगता हूँ, बस प्रेम की एक नजर मांगता हूँ तुझ बिन लगे ना कोई दाम मेरा,
मेरे ओम जी यही प्रार्थना है कि चरणों में तेरे विश्राम मेरा दिन रात तेरे मैं गुण गाऊं कि हर पल ही सिमरूं मैं नाम तेरा हूँ बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। चरणों में तेरे हो विश्राम मेरा, हे ओम जी मेरी यही प्रार्थना। बड़ा सुंदर अरदास है, चरणों में तेरे हो विश्राम मेरा। हाँ जी, आपकी सदा जय जय मत। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे ते आयोइया मेरे कर्मा वाल ना वेखो जी मैं कर्मा तो शर्माइया मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे ते आई हुई जो दर तेरे ते आ जांदा ओ अर्श लिख जाना पा जांदा जो दर तेरे ते आ जांदा ओ अर्श लिख जाना पा जांदा मैनू भी दर तो मोड़ी ना मैं दर ते आस लगाई हुई है मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे ते आई हुई तुसी तारन हार कलांदे हो दुनिया दे बेड़े लांदे हो तुसी तारन हार कलांदे हो दुनिया दे बेड़े लांदे हो मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुखियारी आई हुई मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे ते आई हुई सब संगी साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते तोड़ गए तू भी कितने मुंह मोड़ी ना ये सोच के मैं घबराई हुई मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे ते आई हुई मैं दर तेरे ते आई हुई बोले श्री गुरु महाराज की जय माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई है दस शीर वाली तेनु किवे मैं मनावा किवे मैं मनावा नी अंबे किवे मैं मनावा दस शेर वाली तनु किवे मैं मनावा पुत्र रुस जांदे कदी रुसिया न मावा दस शेर वाली तनु किवे मैं मनावा किवे मैं मनावा नी अंबे किवे मैं मनावा दस झंडिया वाली तनु किवे मैं मनावा केड़ी गलो रुसिए मां इतना बता दे मेरी ओगना ते मां परदा तुपा दे केड़ी गलो रुसिए मां इतना बता दे मेरे ओगना ते मां परदा निभा दे बच्चियां दे सारे बच्चियां दे सारे दुख डक दिया ने मावा दस शेर वाली तनु किवे मैं मनावा दस शेर वाली तनु किवे मैं मनावा मावा दे पुत्र दा प्यार अनोखा है मावा ते पुत्रां दा प्यार अनोखा है बाकी ते सारा जग धोखा ही धोखा है मावा ते पुत्र दा प्यार अनोखा है बाकी ते सारा जग धोखा ही धोखा है बच्चियां लई मावा
ਚੰਡੀਆਂ ਨੇ ਛਾਵਾਂ ਦੱਸ ਚੇਰਾ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ ਮੇਰੀ ਚਰਨੀ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ ਮੇਰੀ ਚਰਨੀ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ, ਦਾਸ ਬੱਛੜੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ, ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਦਸ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਅੰਬੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਅੰਬੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਮਾਂ, ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਦਸ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੀ ਦਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੀ ਦਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਰ ਦਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਦਸ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ ਨੀ ਅੰਬੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਦਸ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਜੈਕਾਰਾ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਭੇਂਟ ਮਧੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੀ ਆਪ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪ ਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ, ਓਮ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਝੰਡੇ ਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਈ। ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕਲੀਆਂ ਮੈਂ
हार बनाया, चुन चुन कलियां में हार बनाया, प्रेम वाली माला सतगुरु आप गल पांदे ने, प्रेम वाली माला सतगुरु आप गल पांदे ने, हरे आंदी लोई मेरे सतगुरु आंदे ने, होले होले संगतां दा बूहा खड़कांदे ने, हरे आंदी लोई साडियां गुरां ने लंगर लगाया, साडियां गुरां ने लंगर लगाया, लंगर लगाया सारी संगत नूं बुलाया, लंगर लगाया सारी संगत नूं बुलाया, प्रेम वाला भोग सतगुरु आप लगांदे ने, प्रेम वाला भोग सतगुरु आप लगांदे ने, तारियां दिल ही मेरे सतगुरु आंदे ने, होले होले संगतां दा बूहा खड़कांदे ने, होले होले संगतां दा बूहा खड़कांदे ने, तारियां दिल ही मेरे सतगुरु आंदे ने, तारियां दिल ही मेरे सतगुरु आंदे ने, ओम अपन दा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। वाह बहुत सुंदर जोगिंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। सारी संगत नु जय बापू दी, जय बापू जी। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जपा कर जपा कर सुबह और शाम, जपा कर जपा कर सुबह और शाम, श्री राम जय जय राम, 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 जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, यही नाम था जो मीरा ने गाया, यही नाम था जो मीरा ने गाया, उसे विष का प्याला नहीं मार पाया, उसे विष का प्याला नहीं मार पाया, खोली पिटारी तो फूल बने सांप, खोली पिटारी तो फूल बने सांप, श्री राम जय राम, जपा कर सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये अनमोल धन था जो बिलनी ने पाया, ये अनमोल धन था जो बिलनी ने पाया, झूठे बेरों का भोग लगाया, झूठे बेरों का भोग लगाया, उसकी जुबां पर था बस एक नाम, उसकी जुबां पर था बस एक नाम, श्री राम जय राम, श्री राम जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह
श्याम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी प्यारी साथ संगत जी, हम छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं जो आत्म संयमी योग के बारे में बताता है कि अपने आप पर किस तरह हम संयम धारण करके योग के बारे में जान सकते हैं। इसके बारे में भगवान बहुत ही सुंदर हमें समझा रहे हैं, जिसके श्लोक क्रमांक हमने 9 तक श्रवण कर लिए। थोड़ा सा सारांश लेकर 10वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो 9वें श्लोक में भगवान ने हमें समझाया था जो संयमी सन्यासी के गुण। भगवान ने बताया कि जो संयमी सन्यासी होता है, अपने में पूर्ण योगारूढ़ होता है, वो सुहृदय होता है। उसका हृदय बहुत ही कोमल होता है। मित्रता ना निभाने वाले के साथ भी वो मित्रता वाला व्यवहार करता है। मित्र शत्रु बैरी चाहे कितना भी द्वेषी क्यों ना हो, धर्मात्मा हो या पापी हो, सबसे एक समभाव रखता है। समत्व की भावना उसके अंदर होती है, क्योंकि हर एक के अंदर वो उसी परमात्मा के ही दर्शन करता है। जिस तरह हमने उदाहरण में भी ये समझा कि श्री राम ने रावण का वध तो किया, किंतु विभीषण को फिर उसके अंतिम संस्कार के लिए भी तैयार किया, क्योंकि परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप थे और स्वयं एक संयमी सन्यासी भी थे। इसलिए किसी को भी जज करना हमारे जैसे साधारण मनुष्य तो करते हैं, किंतु जो संत महापुरुष होते हैं, योगारूढ़ सन्यासी होते हैं, वो कभी भी जजमेंटल होकर किसी को भी नहीं देखते। उनकी दृष्टि में सब एक समान होते हैं, समत्व की भावना होती है। तो भगवान ने यहाँ पर संयमी सन्यासी के गुण बताए। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 10। योगी युञ्जदीत सतत्मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। बहुत ही सुंदर ये अध्याय है जिसमें भगवान ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, योगारूढ़ योग की स्थितियों के बारे में और हमारा आचार व्यवहार, उन सभी के बारे में भगवान बहुत ही विचार से, बहुत ही पूर्ण विस्तार से बता रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी ही सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं का तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि वही सच्चा योगी है जिसने अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा को परमात्मा में पूरी तरह से लगा दिया, एकांत स्थान में वो बैठकर अपने मन को पूरी तरह से वश में कर उसी के ध्यान में मगन है और उसने अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है और संग्रह भाव भी उसके अंदर नहीं है कि मैं ये धन इकट्ठा कर लूं या मैं ये सब इकट्ठा कर लूं। संग्रह भाव भी उसके अंदर नहीं है, सब ऐसी इच्छाओं से वो बिल्कुल मुक्त है। कहने का भाव है कि जो अस्त व्यस्त हमारा शरीर है कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो स्वस्थ रहने के लिए भगवान बता रहे हैं कि योग का मार्ग पकड़ना पड़ता है। इस मार्ग पर चले तो चित्त वृत्ति का भी निरोध करना पड़ता है। हमारे मन में जो इच्छाएं, अनावश्यक इच्छाएं उठती है, उनका भी हमें दमन करना पड़ता है। ऐसा भगवान पतंजलि कहते हैं, हमें अपने मन का संचालन दूसरों के हाथ में
हम अपने मन का संचालन दूसरों के हाथ में दे देते हैं, जिससे हमारे मन की स्थिति बिगड़ जाती है। अपेक्षा के साथ दुख ही दुख आएगा, मुस्कुराना पहला योग है। अगर हम अपनी खुशियों की, अपने दुख की दूसरों के हाथ में कमांड दे देंगे तो हम उनकी इच्छाओं से चलेंगे। हम हमारे पास जितना कुछ है हमें उसमें संतुष्ट रहना है, वही हमारा सुख है। और हमें उस हर हालत में मुस्कुराना चाहिए जो परमात्मा ने हमें दिया है। भोजन में एक सब्जी में नमक नहीं है लेकिन बाकी पदार्थ अच्छे बने हैं, तो बाकी पदार्थों का आनंद नहीं बिगाड़ना है। भगवान ने अगर हमें 10 चीजें दी हैं, इतनी हजारों उसकी नियामत हमारी औकात से बढ़कर भी दिया है, अगर कोई एक चीज नहीं भी दी तो हमें उस कमी की तरफ नहीं सोचना कि ये भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की या ये हमें नहीं दिया। हमें उन बाकी चीजों के बारे में सोचना है जो परमात्मा ने बहुत कुछ हमें दिया है। खाने में युक्त आहार लेना ही पड़ता है, भगवान को पता है कि इसको क्या देना है और क्या नहीं। यम यानी अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, 90% बीमारियां अस्त व्यस्त रहने के कारण ही लगती हैं। और तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, अपने मन को नियंत्रण में करना, सांसों के ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। पांचवा अंग भगवान ने बताया था ध्यान, फिर धारणा, समाधि। तो मन को सुंदर बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए ध्यान में अवश्य बैठना चाहिए। यही योग की भगवान ने यहाँ पर व्याख्या बताई है कि अपने मन को जरूर टटोलना चाहिए कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, हमसे क्या त्रुटियां हुई हैं, या त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, हमने किसी को क्रोध में आकर या हमारे से गलती से मन वचन से जो भी कुछ हुआ है हम उसके लिए क्षमा मांगे और आगे से ये सब काम ना हो, ऐसा मन में धारण करें। जब हम अपने मन को टटोलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो यही यही चीज बता रहे हैं कि इतने पर भी सब अपने अपने को कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। एक योगी का यही कर्तव्य होता है कि अपने मन आत्मा को उस परमात्मा में लगाए। योगी का पहला कर्तव्य है कि वो कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र करे। एकाग्र तब होगा जब वो बाहर की अपनी समस्त चीजों से ध्यान हटाएगा और अपने मन को अंतर्मुखी करेगा। उसे सदैव कृष्ण का ही चिंतन करना चाहिए, उस परम पिता का ही चिंतन करते रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी उसे भुलाना नहीं चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। जब उसकी धीरे धीरे साधना परिपक्व हो जाती है तो उसका मन भी फिर समाधि में लग जाता है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। हमारे मन कब अंतर्मुखी होगा? जब हम अपने मन को, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, अपने ध्यान को अंतर्मुखी करेंगे, किसी एकांतवास में बैठेंगे जहां बाहर का कोई भी शोर, कोई भी हलचल, डिस्ट्रैक्शन ना हो। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों का त्याग कर दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ही ना पड़े। जो बहुत बड़े संत महापुरुष ज्ञानी होते हैं उन्हें सर्दी गर्मी या स्थितियां कैसी अनुकूल है प्रतिकूल है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी अंदर से जो लौ है वो परमात्मा से जुड़ी है और वो शरीर से वैसे ही पृथक हो जाते हैं जैसे सांप अपनी केचुली से पृथक रहता है। और जो पूर्ण संकल्प रहता है, नहीं, सांप जैसे सांप अपनी केचुली से, अपनी उसकी जो केचुली अलग हो जाती है और सांप अलग हो जाता है ना, ऊपर का जो उसकी कवरिंग होती है, जो स्किन है उसको केचुली बोलते हैं। हाँ जी, केचुली बोलते हैं। तो वो अलग हो जाती है और शरीर अलग हो जाता है। हम लोग तो यही मानते हैं कि मैं मेरा शरीर, लेकिन जो योगी संत पुरुष होते हैं ना उनका शरीर अलग है और आत्मा, और वो जानते हैं कि जितना भी भोग है वो ये शरीर का है, आत्मा का नहीं है, आत्मा निश्चल है। तो पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं को पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो इकट्ठे परिग्रह भाव से उसे फंसा दे। पूर्ण योगी वही है जो अपनी बाहर की वस्तुओं का त्याग कर दे, उन्हें इकट्ठा ना करे। अगर पैसा इकट्ठा करते हैं
तो माया में ही फंसे रह जाते हैं। उसी तरह हमारे पाप पुण्य भी इकट्ठे होते हैं, तो हमें अच्छे कर्मों को इकट्ठा करना है और बुरे कर्मों का परित्याग करना है। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना होते हुए उस परमात्मा से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है कि जो भी दिया है, जितना भी दिया है, सब उसकी देन है, सब उसने मेरे भाग्य के अनुसार दिया है, जब ऐसा स्वीकार कर लेता है, तब वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित हो जाता है। मतलब फिर उसे चीजों को इकट्ठा करने की, उन्हें और जोड़ने की फिर वो लालच नहीं रहता। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। तो कृष्ण भावना भावित से रहित व्यक्ति को से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा सदैव अकेला रहता है। मतलब जिसके अंदर परमात्मा का भजन सिमरन है ही नहीं, जिसकी उस परमात्मा से लौ नहीं लगती, तो योगी जो पुरुष है, भगवान कह रहे हैं कि फिर वो उन सबको छोड़ देता है। ऐसे व्यक्तियों से उसका कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप को अकेला रखता है, एकांत रखता है। अतः कृष्ण भावना भावित में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगत पूर्ण योगी कहलाता है, जो उस परमात्मा के भजन सिमरन में लगा रहता है, हमेशा उस परमात्मा को याद करता रहता है, फिर वही पूर्ण योगी होता है, जो बाहर की चीजों को छोड़ दे, अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में कर ले और आशा उपेक्षा रहित होकर एकांत स्थान में बैठ के अपनी आत्मा को निरंतर उस परमात्मा की भक्ति में लगाए रखे, वही पूर्ण योगी कहलाता है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। न चतुराई से तुम उसे पा सकोगे, न चतुराई से तुम उसे पा सकोगे, उसे ढूंढने तुम कहाँ जा सकोगे, उसे ढूंढने तुम कहाँ जा सकोगे, वो केवट सी श्रद्धा तो आएंगे राम, वो केवट सी श्रद्धा तो आएंगे राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्री राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय राम। जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज महा की जय। बोलो जय बांके बिहारी लाल की जय। मेरे जय सतगुरु महाराज की जय। जय। थैंक यू संगीता जी, आप बहुत अच्छे से बहुत सुंदर समझाते हैं। संगीता जी, धन्यवाद। मेरे ख्याल हम चलिए विश्राम जी और नागपाल जी। कैसे आप पे कृपा बनाए रखें। फ्री हाँ दो जी, हो विश्राम गए दीजिए। सब, हाँ जी, सारे हो गए। हाँ जी, हाँ जी, सब ओम बापू नंदा चौर वाले आए दा। आपकी सदा ही जय। जय जय। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे हैं दीन दयाल दयाल जी मेरे सतगुरु, सतगुरु कर दे संगतां जी प्रतपाल जी मेरे सतगुरु, कर दे संगतां दी प्रतपाल जी मेरे सतगुरु, नाम इना दा शरधा राम प्यारा, शरधा राम प्यारा, नाम इना दा शरधा राम प्यारा, शरधा राम साडे दई ताई को एही सहारा, एही सहारा,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਇਹ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਸਾਹੀ ਪਰਮਹੰਸ ਬਾਪੂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਜਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਬਾਪੂ ਓਮ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਪੂ ਭਾਨੂਦਾਸ ਜੀ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪੁਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜਾਂ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਕਾਲ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੂਰੇ ਤੇਈ ਪਿਆਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ